गुड मॉर्निंग, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। हाजिर में आज आपके सामने डेवऑप्स का नया लेक्चर लेके, जिसमें आज हम देखने वाले हैं कि सीआईसीडी पाइपलाइन क्या होती है, जेनकिंस क्या होता है। बेहद इंपॉर्टेंट लेक्चर है, क्योंकि बहुत सारे लोग मुझसे बहुत टाइम से रिक्वेस्ट कर रहे हैं यार जेनकिंस स्टार्ट करा दो। तो यार फाइनली आज हम जेनकिंस पढ़ने वाले हैं, और आज का लेक्चर देखने के बाद सीआईसीडी पाइपलाइन क्या होता है, क्या इसकी जरूरत है, जेनकिंस क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, क्यों डेवऑप्स इसके बिना पॉसिबल नहीं हो पाता, सारी बातें आज हम बुनियादी तौर पर सीखने वाले हैं। आज का लेक्चर बेहद इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि ये बुनियाद है सीआईसीडी पाइपलाइन की। इसके लिए मैं आपको एक बात और बता दूं, जैसा मैं हमेशा कहता हूं कि चाहे आप टेक्निकल पर्सन हैं, चाहे आप नॉन टेक्निकल हैं, कोई मसला नहीं है, क्योंकि मैं आपको बिल्कुल बेसिक लैंग्वेज में जैसे हमेशा से आसान तरीके से सिखाता हूं, बिल्कुल वैसे सिखाऊंगा कि सीआईसीडी पाइपलाइन एक्चुअल में है क्या। तो कुछ नहीं करना, आज का लेक्चर जस्ट आपको एंड तक देखना है, एक से दो बार देखना है, तीन बार देखना है, जितना ज्यादा आप देखेंगे हर बार आपकी अंडरस्टैंडिंग उतनी ज्यादा बढ़ती जाएगी। ऐसा नहीं है कि लेक्चर को दोबारा देखने से आपको कुछ नया नहीं सीखने को मिलेगा। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि पहली मर्तबा जब आप इसे देखते हैं तो कई सारी चीजें ऐसी हैं जो हम सुन लेते हैं पर समझ नहीं आती, पर जब दूसरी बार देखते हैं तो क्योंकि आगे तक की कहानी एक बार सुन चुके हैं तो वो बात हमें समझ आने लगती है कि मैं क्या कह रहा हूं। एक बात और मैं आपको बताना चाहता हूं, बहुत सारे लोग मुझसे ये कह रहे हैं कि सर यार डेवऑप्स आप जो पढ़ा रहे हैं, क्या हमें इंस्टीट्यूट में जाके रियल टाइम प्रोजेक्ट्स करने की जरूरत है, या आप कोई रियल टाइम प्रोजेक्ट्स क्यों नहीं करा रहे हैं, या क्या मसला है। देखिए मैं आपको एक चीज बता दूं, इंटरव्यू के लिहाज से जो कुछ इंपॉर्टेंट है, मेरे बहुत सारे लोग, बहुत सारे सब्सक्राइबर्स ऑलरेडी बहुत बड़े बड़े पैकेजेस पे हायर हो रहे हैं, मेरे पास लगातार मेल आते हैं, पॉसिबल नहीं है वो सारी चीजें यहां दिखाना, बट ट्रस्ट मी इंटरव्यू में जो कुछ पूछा जाता है वो सब मैं करा रहा हूं, वो सब कुछ मैं करा रहा हूं। रही बात रियल टाइम प्रोजेक्ट्स की, वो भी मैं आई होप कि मैं डेवऑप्स पूरा करने के बाद आपको जरूर कराऊंगा, बट जो कुछ भी मैं आपको करा रहा हूं वो किसी भी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, किसी भी पेड ट्रेनिंग से ज्यादा कंटेंट है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। ये बात आपकी शिकायत बिल्कुल लाजमी है कि सर आपके लेक्चर थोड़ा डिले होते हैं, बट आई विल ट्राई माय लेवल बेस्ट कि मैं आने वाले वक्त में आपको ये लेक्चर्स फ्रीक्वेंटली देना शुरू कर दूं। ठीक है, मैं अपना जो मेरा खुद का जॉब है वो भी मैं क्विट करने का सोच रहा हूं, जस्ट बिकॉज ऑफ यू, कि यार मैं फाइनली इस चीज को अब सीरियसली और ज्यादा सीरियसली लेकर चल सकूं और अपनी सोसाइटी, अपनी कम्युनिटी के लिए ज्यादा से ज्यादा कुछ कर सकूं। तो मेरी कोशिश है आने वाले वक्त में कि हम इस चीज को कर पाए, इंप्लीमेंट कर पाए। और बाकी सारे लोग जो मेरे से लिंक्डइन पे जुड़े हुए नहीं है, फेसबुक पे जुड़े नहीं है, उनसे मैं गुजारिश करूंगा कि हमारा फेसबुक ग्रुप टेक्निकल गुफ्तगू ऑफिशियल जरूर आप ज्वाइन करें, क्योंकि वहां आपको फायदा ये है कि वहां बहुत सारे मेंबर्स पोस्ट करते हैं, डॉक्यूमेंटेशन पोस्ट करते हैं, वीडियो लेक्चर्स पोस्ट करते हैं, फ्री वाले ट्यूटोरियल्स, पेड जितने भी हैं उनके लिंक आपके साथ शेयर करेंगे फ्री में गूगल ड्राइव पर डाल के, सो दैट आपको वो सारी चीजें हमारी कम्युनिटी में फ्रीली अवेलेबल है। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि टेक्निकल गुफ्तगू सिर्फ एक यूट्यूब चैनल ना हो, एक कम्युनिटी हो जहां पे सब लोग आकर पढ़ें, फ्री में शेयर करें चीजों को, फ्री में एक दूसरे के साथ बांटें, एक मोहब्बत, एक प्यार का एक ऐसा हम लोग एक ऐसा कॉम्बिनेशन लेके आ रहे हैं जहां शेर व शायरी भी होगी, मोहब्बत भी होगी, और एक ऐसी कम्युनिटी जहां हम एक दूसरे की हेल्प करेंगे, जहां जो लोग पहले से रिक्रूट हो चुके हैं वो दूसरे लोगों को बताएंगे कि कैसे जॉब पाई जा सकती है। तो आप हमारी कम्युनिटी से जरूर जुड़े। तो मैं बात करता हूं सीआईसीडी पाइपलाइन की। सीआईसीडी पाइपलाइन का मतलब क्या है? देखिए सीआई का मतलब है कॉन्टिन्यूस इंटीग्रेशन। अगर अभी कोई टर्म समझ नहीं आ रही है तो परेशान नहीं होना, क्योंकि इन सब को मैं डिटेल में बताऊंगा। सीआई का मतलब है कंटीन्यूअस इंटीग्रेशन, और सीडी का मतलब है कंटीन्यूअस डिलीवरी या डिप्लॉयमेंट। दोनों चीजें हो सकती हैं, वो क्यों हो सकती हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। कई जगह आपको कंटीन्यूअस जो है डिलीवरी मिलेगा लिखा हुआ, कई जगह आपको कंटीन्यूअस डिप्लॉयमेंट करके भी मिल सकता है, कोई मसला नहीं है, दोनों ही चीजें हो सकती हैं, बट कंटीन्यूअस डिलीवरी ज्यादा मुफीद मैं इसको समझता हूं। कंटीन्यूअस इंटीग्रेशन, कंटीन्यूअस डिप्लॉयमेंट ये ज्यादा कहना बेहतर होगा, बट आप कंटीन्यूअस डिप्लॉयमेंट भी कह सकते हैं, यानी कंटीन्यूअस इंटीग्रेशन, कंटीन्यूअस डिलीवरी इसकी एक फुल फॉर्म है, बट कई जगह पे कंटीन्यूअस डिप्लॉयमेंट भी इसको कहा जाता है, सीडी में इसको ये कह सकते हैं। क्यों कह सकते हैं वो मैं बताऊंगा, वो सिचुएशन पे डिपेंड करेगा। अब बात ये आती है कि आखिर ये पाइपलाइन क्या है। देखिए यार पाइपलाइन क्या होती है, किसी भी चीज को अगर मैं आपसे कहूं, अगर आप इंडस्ट्री में हैं, मैन्युफैक्चरिंग में हैं, मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट में है ना, तो वहां भी हम एक पाइपलाइन क्रिएट करते हैं। पाइपलाइन से मुराद ये है कि भाई देखिए पहले ये वाला काम होगा,
ठीक है, फिर ये वाला काम होगा। अब जैसे मैं कहूँ कि भाई हमने शाही पनीर बनानी है, ठीक है, आप कहेंगे यार तुम शाही पनीर का पीछा नहीं छोड़ोगे, ठीक है, तो मैं कहता हूँ हमने शाही पनीर बनानी है, तो सबसे पहले हमने क्या करना पड़ेगा, हमने पनीर खरीदना पड़ेगा, ठीक है, हमने ऑनियन खरीदना पड़ेगा, हमने जो है हमारा टमाटर, टमाटर को क्या बोलते हैं, टोमेटो बोलते हैं ना, हमने हमारी टोमेटो खरीदनी पड़ेगी। अब वो सारी चीजें खरीदने के बाद हमने उनको कट करना पड़ेगा, है ना, उन सब्जियों को काटना पड़ेगा, उससे पहले हमें वॉश करना पड़ेगा, क्योंकि वॉश पहले आप करेंगे, कोरोना चल रहा है आजकल, फिर आप इसे कट करेंगे, ठीक है। अब कट करने के बाद क्या करेंगे, आपको ऑयल की जरूरत पड़ेगी, है ना, आपको गैस की जरूरत पड़ेगी, गैस स्टोव की जरूरत पड़ेगी जिसपे आप सब्जी बनाएंगे। तो ये एक पाइपलाइन है, आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप सब्जी ना खरीदे बिना ही आप सब्जी काट दें, जब सब्जी है ही नहीं तो कटेगी कैसे। आपने सब्जी काटने के बाद धोई, वो भी एक गलत प्रोसेस है, क्योंकि सब्जी को पहले धोना चाहिए बाद में उसे काटना चाहिए, ठीक है। आप ये कर सकते हैं काटने के बाद दोबारा धो लें, ये आप कर सकते हैं, यानी आपने पहले भी धोया और उसको कट करने के बाद भी धोया, दैट इज पॉसिबल। ये हम यहां भी करेंगे, मैं आपको बता दूं, हम पहले भी टेस्ट करेंगे बाद में भी टेस्टिंग करेंगे, दैट इज पॉसिबल, क्योंकि अगर किसी चीज को करने से वो और बेहतर हो सकता है तो करना चाहिए। सब्जी को पहले भी धो रहे हैं, काटने के बाद भी धो रहे हैं, तो बड़े अच्छी बात है कि जो जर्म्स हैं वो प्रॉपरली निकल जाएं। हो सकता है काटते टाइम हमारे हाथों से कुछ और डस्ट वहां पार्टिकल चला गया हो, तो हम उसको दोबारा वॉश कर सकते हैं। तो ये एक प्रोसेस है जिसको हम पाइपलाइन कहते हैं, बिकॉज पाइपलाइन का मतलब है कि भाई जो पाइपलाइन क्या होता है, पाइप के अंदर जो चीज पहले जाएगी, सपोज पाइप के अंदर मैंने तीन चीजें घुसाई, मैंने यहां पे एक बॉल घुसाई, मैंने यहां पे एक पेन जो है वो मैंने करा यहां पे घुसा दिया, है ना, और यहां पे जो है उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने यहां पे एक साइकिल घुसा दी, है ना, मैंने यहां पे एक साइकिल घुसा दी, इस तरीके से मैंने कोई चीज घुसाई फॉर एग्जाम्पल पाइप के अंदर। अब आप देखें कि ये जो बॉल है ना, ये जो बॉल है ये हमारी पहले निकलेगी पाइप से, उसके बाद ये पेन निकलेगा, उसके बाद ये साइकिल निकलेगी, यानी पाइप में जो चीज पहले जाएगी वही पहले बाहर आएगी, उसके बाद जो चीज होगी वो बाहर आएगी, उसके बाद जो चीज होगी वो बाहर आएगी, यानी कि एक प्रोसेस है। पाइपलाइन में जो चीज आगे है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, आप ये कह सकते हैं फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, जो पहले आएगा उसे पहले सर्व किया जाएगा, पहले चीज हासिल होगी, जो उसके बाद होगा उसे बाद में, एक प्रोसेस है। ऐसे ही CICD पाइपलाइन एक प्रोसेस है, बट कैसा प्रोसेस है, ऑटोमेटेड प्रोसेस है। ऑटोमेटेड मतलब सारी चीजें अपने आप होंगी। अभी तक देखें ये ना एक एक्चुअली में क्या है, CICD इज नथिंग बट अ मेथोडोलॉजी, ये कोई टूल का नाम नहीं है, पहली बात, जो नॉन टेक्निकल बंदे हैं उनके लिए बहुत जरूरी है। CICD कोई टूल नहीं है, जैसे कि अभी तक मैंने आपको गिट पढ़ाया, एंसिबल पढ़ाया, शेफ पढ़ाया, CICD कोई टूल नहीं है। CICD एक तरीका है जिसे आप मैथडोलॉजी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? मैथडोलॉजी कह सकते हैं कि CICD एक मैथडोलॉजी है। बात समझ आ रही है? CICD एक तरीका है किसी भी प्रोसेस को करने का। इससे पहले भी हम अपना काम करते थे, इसके बाद भी हम अपना काम करते हैं, पर काम बेहतर तरीके से हो रहा है, इसलिए हम इस प्रोसेस का या इस मैथडोलॉजी का आज की डेट में इस्तेमाल करते हैं। तो CICD इज अ मैथडोलॉजी, ये बात आपको समझ आ गई। अब मैथडोलॉजी किस चीज की है, मैं आपको ये भी बता दूं, SDLC आपने सुना होगा, SDLC मैंने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ाया था, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। तो किसी भी सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए एक तरीका ये भी है, ठीक है, इस तरीके में बस फायदा ये है कि चीजें ऑटोमेटेड है, कोई कमी होगी तो पहले ही पकड़ में आ जाएगी, कोई गलती होगी तो पहले ही पकड़ में आ जाएगी, हमें आगे नहीं जाना पड़ेगा। अब आप कहेंगे सर ठीक है ये सारी बात तो समझ आ रही है, फिर ये जेनकिंस क्या चीज है, इस पे हम आएंगे बाद में, ठीक है, पहले मैं आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूं कि CICD पाइपलाइन क्या है, किस तरीके से काम करता है, या पहले क्या प्रॉब्लम्स आ रही थी जिसकी वजह से हमें CICD मैथडोलॉजी को अपनाना पड़ा, तो अब हम उसको देखते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूं कि CICD से पहले हमारे पास क्या प्रॉब्लम आ रही थी जिसकी वजह से हमें CICD पाइपलाइन आज इतना पॉपुलर हो गया है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की दुनिया में। तो देखें अगर मैं आपको बताऊं कि भैया बिफोर कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन हम लोग किस तरीके से काम करते थे, तो एक बार वो देख लेते हैं, बिफोर कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन, ठीक है, मैं आपको बताऊंगा इंटीग्रेशन क्या होता है, वो भी मैं आपको बताऊंगा, आपने परेशान नहीं होना है। तो बिफोर कॉन्टिन्यूस इंटीग्रेशन हम क्या करते थे कि सपोज हमारे कोई डेवलपर्स है, ठीक है, ये मेरे डेवलपर्स है आपको नजर आ रहे हैं, ये डेवलपर्स क्या करेंगे, ये अपने कोड को जो है एक जगह पुश करेंगे,
ठीक है ना, इन्होंने एक कोड को पुश किया, कहां पे किया, मेरे गिटहब पे किया। तो गिटहब क्या है, एक वर्जन कंट्रोल सिस्टम है ना, एक डिस्ट्रीब्यूटेड वर्जन कंट्रोल सिस्टम है। तो मैंने अपने गिटहब पे उस कोड को पुश कर दिया। तो ये आपको पता है गिटहब, हम बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं गिट और गिटहब। तो डेवलपर क्या करते हैं, जो भी कोड बनाते हैं वो यहां पे कोड पे डाल देते हैं। दिस इज कॉल्ड रिपोजिटरी, राइट, हम इसे रिपोजिटरी भी कहते हैं। तो सारा कोड डेवलपर ने क्या किया, ये मेरे डेवलपर हैं, इन्होंने सारा कोड बना के रिपोजिटरी पे डाल दिया। ये मैं आपको पुरानी प्रोसेस बता रहा हूं सीआईसीडी से पहले। तो क्या होता था उस टाइम, इस तरीके का प्रोसेस था कि पहले आप पूरा कोड लिख ले, ठीक है, और उसके बाद आप रिपोजिटरी पे डालें। डेवलपर ने कोड लिखा, रिपोजिटरी पे डाल दिया, ठीक है। अब वो कोड दो चार दस लाइनों का नहीं होता, वो कोड फॉर एग्जांपल 50,000 लाइनों का है, 20,000 लाइनों का है, क्योंकि एक पूरा प्रोसेस है, एक पूरी एप्लीकेशन के लिए आपको कोड लिखना है। तो पहले वो काम ब्रेक कर करके छोटे छोटे हिस्सों में नहीं होता था, पहले वो काम होता था कि पहले एक बार पूरा कोड लिख लिया जाता था, उसके बाद उसे आगे भेजा जाता था आगे के प्रोसेस के लिए। तो उसमें मसला यह था कि अब सपोज करें मैंने 50,000 लाइनों का कोड लिखा मेरे डेवलपर ने और उसने पुश कर दिया रिपोजिटरी में। अब रिपोजिटरी में जब वो कोड 50,000 लाइनों का पहुंच गया, तो अब आगे जाएगा वो इंटीग्रेट होने के लिए। इंटीग्रेट से मतलब क्या है कि उस कोड को हम एग्जीक्यूट करके देखेंगे, चला के देखेंगे, कोई मसला तो नहीं है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अब डेवलपर ने उस कोड को लिखने में फॉर एग्जांपल 3 दिन लिए, 3 दिन तक उसने उस काम को बड़े बेहतर तरीके से किया और उसके बाद वो दूसरे प्रोजेक्ट पे काम करने लगा। टेस्टर ने 3 दिन बाद आके, 3 दिन तो इसने लिए, फिर 1-2 दिन बाद आके जो है टेस्टर ने उसको काम करना शुरू किया, सॉरी इंटीग्रेट करना शुरू किया, इंटीग्रेशन वाले पार्ट पे उसको बिल्ड करना शुरू किया, एग्जीक्यूट करके देखना शुरू किया उस बंदे ने, जिस बंदे का काम है कोड को रन करा के देखना। अब उसने कोड को रन कराया, यहां पे उसने कोड को रन करा के देखा, इंटीग्रेट किया, वो जितना भी कोड था, जितना भी कोड आ रखा था 10-20-50 लाइनों का, सपोज करें 50,000 लाइनें इसने लिखी हैं, दूसरे डेवलपर ने 20,000 लाइनें लिखी हैं उसी प्रोग्राम में आगे की, और इस तरीके से ये सारा जोड़ के ये कोड मेरे पास आगे आ गया। अब सब बंदों का कोड इकट्ठा हो गया, उसको मैंने इंटीग्रेट कर दिया यहां पे और एग्जीक्यूट करा के देखा। अब एग्जीक्यूट कराने के बाद उसका प्रोसेस होगा टेस्टिंग का, तो टेस्टिंग जो है वो इस लेवल पे होगी, इंटीग्रेशन हो गया, फिर हम टेस्टिंग करेंगे पूरे कोड की, पूरी एप्लीकेशन की हम कर रहे हैं। एक पूरी एप्लीकेशन सपोज हमने फेसबुक की जो है उसका जो भी कोड है वो लिखा, उसके बाद हमने पूरे कोड को टेस्ट किया, सॉरी इंटीग्रेट किया, फिर टेस्ट किया। अब टेस्टिंग जब आप करेंगे किसी चीज की तभी तो प्रॉब्लम पकड़ में आएगी, आप बात समझ रहे हैं। इंटीग्रेट का मतलब क्या, इंटीग्रेट का मतलब तो सिर्फ इतना है कि मैंने सपोज एक गाड़ी बनानी है, तो मैंने 4 पहिए खरीद लिए, मैंने गाड़ी की बॉडी खरीद ली, इंजन खरीद लिया, सारी चीजें खरीद ली। अब मैंने उसको गाड़ी बनाने के लिए जोड़ दिया सारी चीजों को, तो इससे यह तो नहीं पता चलेगा यहां प्रॉब्लम थी कि नहीं थी। तो इंटीग्रेशन जब हम करते हैं तो प्रॉब्लम पकड़ में नहीं आती, क्यों नहीं आती, क्योंकि अभी तो मैंने गाड़ी चला के नहीं देखी, मैंने गाड़ी को जोड़ा है, उसके सारे पार्ट्स को जोड़ा है। आउटपुट तो मुझे तब मिलेगा जब मैं चला के देखूंगा, और वो चला के देखने को ही टेस्टिंग कहते हैं। तो गाड़ी की जैसे हम टेस्टिंग करेंगे तो पहले गाड़ी के सारे कंपोनेंट्स जोड़े गए, तो वो जोड़े यहां पे गए, कंपोनेंट्स यहां हमने बनाए, बनाने के बाद कंपोनेंट्स को जोड़ा, और जोड़ने के बाद अब हम गाड़ी चला के देख रहे हैं, लेकिन जैसे चला के देखी गाड़ी चली नहीं। अब गाड़ी चली नहीं तो साहब मसला है। अब ये मसला किसको बताया जाएगा, ये प्रॉब्लम किसको बताई जाएगी, भाई डेवलपर को बताई जाएगी, भाई साहब कोड तो रन ही नहीं कर रहा। अब इसने 3 दिन बाद, इसने तो 3 दिन काम किया, उसके बाद 7 दिन के बाद आफ्टर 7 डेज उसको एक रेस्पॉन्स आता है कि आपके कोड में कोई एरर है। अब मसला यह है कि भाई अब वो कोड तो 50,000 लाइनों का है या 1,00,000 लाइनों का है, अब वो एरर कहां है, किस जगह है, कॉमा छूट गया या कोई सिंटेक्स एरर आ गया, मैंने कैपिटल की जगह स्मॉल में लिख दिया, स्मॉल की जगह कैपिटल में लिख दिया। अब बैठ के वो पूरा कोड पढ़ो। अब प्रॉब्लम यह भी है कि उस टाइम पे मेरा डेवलपर किसी दूसरे प्रोजेक्ट पे लगा हुआ है, क्योंकि 7 दिन बाद मेरा बंदा खाली तो नहीं बैठेगा, अब वो नया कोड लिख रहा है। अब जब वो नया कोड लिख रहा है किसी और दिमाग के साथ, उसका कंसेंट्रेशन किसी और काम पे है, और ऐसे में आप उसे पुराना काम लाके पकड़ा दें कि इसमें ये कमी निकालो, तो ये बहुत मुश्किल होता है। बिकॉज ह्यूमन बींग के लिए हमारा माइंड एक टाइम पे एक ही चीज पे कंसेंट्रेट करता है, 2 पे नहीं कर सकता, ठीक है। तो खैर ये बात खैर कोडिंग के लिए मैं बता रहा हूं, वैसे मोहब्बत के मामले में तो आजकल आपको पता ही है, ठीक है, लोग 2 जगह 3 जगह भी कंसेंट्रेट कर लेते हैं, चले अच्छी बात है। तो मैं क्या बता रहा हूं कि जो 7 डेज है, अब 7 दिन के बाद मेरे डेवलपर ने कहा कि यार अब मेरे लिए तो बड़ा मसला हो गया, मेरे पास ऑलरेडी ये कोडिंग का काम है, मैं इस पे ध्यान लगा रहा हूं, और अब आपने ऐसे में मुझे इसमें कमी निकालने को दे दिया। तो ये एक प्रोसेस ना इतना कंफ्यूजिंग हो जाता है कि इसमें टाइम ज्यादा लग जाता है।
तो हमने क्या करना है, उस टाइम ड्यूरेशन को जो प्रॉब्लम आ रही है, अब डेवलपर भी दो दिन बैठ के दिमाग लगाएगा गलती थी कहां, तो उसमें होगा क्या कि टाइम ज्यादा लगेगा, आपकी एप्लीकेशन को बनने में ज्यादा टाइम लगेगा, उसको लाइव होने में ज्यादा टाइम लगेगा। तो ये पूरा एक प्रॉब्लम था बिफोर कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन, क्योंकि हमने पहले पूरा कोड लिख लिया 50,000 लाइनों का, 1,000 लाइनों का, उसके बाद हमने उसे इंटीग्रेट किया, इंटीग्रेट करने के बाद टेस्टिंग की, और टेस्टिंग के बाद जब गड़बड़ आई, और उस गड़बड़ को या प्रॉब्लम्स को क्या कहते हैं, उन्हें बग्स कहते हैं। बग्स का मतलब होता है एरर, ठीक है ना, कोई भी लॉजिकल एरर, तो उसे हम कहते हैं बग, ठीक है। तो टेक्निकल टर्म्स की फॉर्म में अगर मैं आपको वो बात करूं तो उसे हम बग कहते हैं। बग का मतलब है कोई कमी या एरर। तो अब वो एरर जो आए, उसने वो बग्स इसको फाइंड आउट करके दिए कि भाई ये कमी आपके इसमें आ रही है। इसने तो बताया कि ये चल नहीं रहा है, ये एरर है। अब जैसे गाड़ी मेरी चली नहीं, मैंने गाड़ी के कंपोनेंट्स लिए, गाड़ी को जोड़ा, मैंने गाड़ी चलाई, गाड़ी चली नहीं। अब मुझे नहीं पता कि इंजन में प्रॉब्लम है या गाड़ी क्यों नहीं चल रही, बैटरी की कनेक्टिविटी नहीं है कि गाड़ी चालू ही नहीं हो पा रही है, या प्रॉब्लम का है। ये तो तभी पता चलेगा जब वन बाय वन हम पूरे प्रोसेस को चेक करेंगे। अब वही काम डेवलपर ने करना है और इस काम में टाइम लग जाता है। तो इस पूरे प्रॉब्लम से बचने के लिए हमने एक नई मैथडोलॉजी ईजाद की और उसको हमने नाम दिया कॉन्टीन्यूअस इंटीग्रेशन। मैं अभी सीडी की बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ सीआई की बात कर रहा हूं, ठीक है, मैं अभी सिर्फ सीआई की बात कर रहा हूं। सीआई से मतलब क्या है, आफ्टर कॉन्टीन्यूअस इंटीग्रेशन। इसमें देखिए अब हमें करना क्या है, यहां पर भी हमारा डेवलपर है, ये हमारा डेवलपर बंदे बैठे हैं, इन्होंने क्या किया, इन्होंने वर्जन कंट्रोल सिस्टम गिटहब के ऊपर, या आप इसे सोर्स कोड रिपोजिटरी कह दें, सोर्स कोड रेपो आप इसे कह दें, और ये मेरे डेवलपर है। तो मेरे डेवलपर ने कोड लिखा और कोड को यहां पे पुश किया, लेकिन इन दोनों में फर्क यह है कि यहां अब इन्होंने पूरा कोड लिखने के बाद पुश नहीं किया, ये इस चीज का वेट नहीं कर रहे कि पहले तीन दिन बैठ के पूरा कोड बना लूं फिर पुश करूं, ये उसको छोटे छोटे स्प्रिंट्स का, जिसकी हमने पहले बात की हुई है डेवऑप्स के लेक्चर नंबर 1 में, उसकी फॉर्म में छोटे छोटे हिस्सों में, यानी आज जो भी काम किया इसने यहां पुश कर दिया, कल जो भी काम करेगा उसको यह गिटहब पे पुश कर देगा, यानी जितना काम यह करता जाएगा उसको यह भेजता जाएगा। अब इस डेवलपर ने अपना 50 लाइन का कोड भेजा, इस डेवलपर ने अपना 50 लाइन का कोड भेजा सोर्स कोड रिपोजिटरी के ऊपर। अब ये जाएगा मेरे सीआई सर्वर के पास, कहां जाएगा, सीआई सर्वर। ये क्या होता है मैं आपको बाद में बताऊंगा, फिलहाल आप ये देखें, अब ये जाएगा सीआई सर्वर के पास। इंटीग्रेशन, जो इंटीग्रेशन यहां हो रहा है वही प्रोसेस यहां भी है, लेकिन इस बार ये डिस्ट्रीब्यूटेड फॉर्म में है, सो दैट उसको जल्दी पता चल जाए उसने गलती कहां करी है। अब सपोज इसका 50 लाइनों का कोड जैसे ही ये यहां पुश करेगा, देखिए ध्यान से सुनना, जैसे ही ये गिटहब पे पुश करेगा अपने आप ये यहां पर पुल कर लिया जाएगा, उठा लिया जाएगा, और यहां पर तीन चीजें होंगी, एक होगा बिल्ड, एक होगा टेस्ट और एक होगा डिप्लॉय। ये तीन चीजें यहां पे होंगी, बिल्ड, टेस्ट और डिप्लॉय। अब जैसे ही ये 50 लाइनों का कोड यहां पर ये बंदा डालेगा, ये तुरंत उठा लेगा और इसको बिल्ड कराएगा। बिल्ड कराने का मतलब है उसको एग्जीक्यूट करके देखेगा कि जितना भी इसने लिखा है इसमें कोई सिंटैक्स एरर तो नहीं है, कोई बग तो नहीं है। अगर नहीं है तो उसको टेस्टिंग के पास भेजेगा, टेस्टिंग टीम अब उसका आउटपुट टेस्ट करेगी, या जो भी उस कोड के बिहाफ पे होने वाला होगा उस काम को वो टेस्ट करके देखेगा, और उसके बाद डिप्लॉय करके देखेगा। डिप्लॉय का मतलब प्रोडक्शन एनवायरमेंट में डिप्लॉयमेंट से नहीं है, अभी हमने प्रोडक्शन या रियल टाइम में डिप्लॉय नहीं किया, अभी हमने इंटरनली उसको टेस्ट करके डिप्लॉय करके देखा कि क्या ये फ्यूचर में ठीक ठाक काम करेगा जब आगे की चीजों के साथ जोड़ा जाएगा। तो ये एक प्रोसेस किया जा रहा है सीआई सर्वर के अंदर, ये तीन काम किए जा रहे हैं, बिल्ड, टेस्ट और डिप्लॉय। अब अगर कोई भी गलती आ रही है, आप समझे बात को, ये यहां पे इसको बताएगा कि भैया ये चीजें जो है ना ये आपकी गड़बड़ है, फैच चेंजेस, ये चेंजेस बताएगा कि भैया ये जो गलतियां हैं या नोटिफिकेशन है ये उसको देगा, उसको ये नोटिफिकेशन देगा डेवलपर को कि भैया आपका ये फलाना फलाना जो है एरर आ रहा है, ठीक है, तो वो सॉरी डेवलपर को ये देगा, तो उसके लिए ये डेवलपर को देगा, तो ये यहां पे आएगा और ये डेवलपर को नोटिफाई करेगा या तो सक्सेस और या फिर फेलियर, जो भी कोड के साथ हुआ है वो चीजें डेवलपर को मेल के थ्रू बताएगा, नोटिफिकेशन के थ्रू बताएगा कि आपका कोड फेल हो गया है या सक्सेस हुआ है। तो हुआ क्या कि मेरे डेवलपर ने 50 लाइनों का कोड लिखा और जैसे ही गिटहब पे गया विद इन 5 मिनट्स उसके पास एक रिस्पॉन्स आ गया, भैया ये कोड गलत है या इसमें बग है या इसमें एरर है।
तो मेरा डेवलपर क्या करेगा, क्योंकि वो अभी उसी चीज पे काम कर रहा था, उसका माइंडसेट ये है कि अभी वो उसी पे फ्रेश फ्रेश काम कर रहा है, तो वो एकदम से कमी निकाल लेगा। दूसरी बात ये, क्योंकि कोड अभी जस्ट उसने 50 लाइनों का लिखा है, तो 50 लाइन में उस एरर को फाइंड आउट करना आसान है इन कंपैरिजन टू 50,000 लाइनें अगर उसमें है। तो अब 50 लाइनों में उसने फटाफट से कोड को चेक किया, उसके पास क्योंकि नोटिफिकेशन आया था, उसने दोबारा उसको पुश कर दिया अपडेटेड कोड को। अब उसने अपना अपडेटेड कोड जो है वो दोबारा उसने पुश किया यहां पे। अब जैसे ही वो कोड पुश हुआ, दोबारा वो इसने उठा लिया, जैसे ही पुश करोगे तुरंत ये उठा लेगा आते के साथ ही। तो इसने यहां उठाया, इसने फिर बिल्ड किया, टेस्ट किया, डिप्लॉय किया, देखा, और अगर वो सक्सेस हो गया तो वो नोटिफिकेशन इसको दे दिया। अब डेवलपर समझ गया यानी कि 50 लाइनों का कोड तो मैंने सही लिखा है। अब जब वो अगले दिन आएगा तो अगले दिन उससे आगे का कोड लिखेगा, और जैसे ही लिखकर पुश करेगा अगेन सेम काम होगा और उसको नोटिफाई किया जाएगा। इसका मतलब वो थोड़े थोड़े हिस्से को जो लिखता जा रहा है तुरंत वो काम एग्जीक्यूट हो रहा है और उसको पता चल रहा है, और आगे जाके जब वो 50,000 लाइनों का कोड हो जाएगा तो तब भी उसे ये पता है कि मैंने आज अगर 100 लाइनें लिखी हैं तो गलतियां उन 100 में ही होने की पॉसिबिलिटी है, क्योंकि पिछला तो सारा सही होता आया है, क्योंकि मेरे को हर बार वो चीजें आउटपुट में नजर आ रही थी। तो इससे होगा क्या, आप एरर को मिनिमाइज कर पाएंगे, टाइम को बचा पाएंगे, क्योंकि बजाय इसके कि 50,000 लाइनों में एरर ढूंढना, 50 लाइनों में एरर ढूंढना इजी होता है। तो हमने उस प्रोसेस को क्या किया, एक ऑटोमेटेड कर दिया। एक बात याद रखिएगा, कॉन्टिन्यूस इंटीग्रेशन का मतलब ये है कि लगातार हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं, यानी लगातार जो भी कोड यहां डाला जा रहा है उसको उठा रहे हैं, टेस्ट कर रहे हैं, उठा रहे हैं, बिल्ड कर रहे हैं, टेस्ट कर रहे हैं, बिल्ड कर रहे हैं, टेस्ट कर रहे हैं। तो ये चीज आपको याद रखनी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि कॉन्टिन्यूस इंटीग्रेशन क्या होता है, अगर मैं सिर्फ कॉन्टिन्यूस इंटीग्रेशन की बात करूं तो कॉन्टिन्यूस इंटीग्रेशन इज इक्वल टू में कॉन्टिन्यूस बिल्ड प्लस कॉन्टिन्यूस टेस्ट। ये दो चीजों से मिलके बनता है कॉन्टिन्यूस इंटीग्रेशन, कॉन्टिन्यूस बिल्ड एंड कॉन्टिन्यूस टेस्टिंग। ये आपको याद रखना है। सीआई का मतलब क्या है, लगातार बिल्ड करना, लगातार टेस्ट करना। आई होप कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया होगा कि डेवलपर जो है वो जितना भी कोड डालेगा वो एग्जीक्यूट होगा, बिल्ड होगा, ये सारे काम वहां पे होंगे, और कोई भी एरर आती है तो उसको नोटिफाई किया जाएगा, वो उसको अपडेट करेगा और कर देगा। तो हमने प्रॉब्लम को थोड़ा सॉल्व किया, अभी जेनकिंस पर भी आएंगे, आप थोड़ा वेट करें। तो ये बात आपको समझ आ गई, अब इससे आगे की बात आपको समझाता हूं। अब देखें, आपको जो यहां बोर्ड पे नजर आ रहा है ये है हमारा CI/CD पाइपलाइन, कुछ भी नहीं है, जो प्रोसेस मैंने जस्ट अभी आपको समझाया वही मैंने सब कुछ यहां पर लिखा है, कुछ नया नहीं लिखा। आप देखें, सबसे पहले क्या है, मेरा जो डेवलपर है वो कोड को बनाएगा, लिखेगा, और लिखने के बाद कहां डालेगा, गिटहब पे डालेगा। गिटहब का मतलब क्या हुआ, वर्जन कंट्रोल, उसने वर्जन कंट्रोल पे डाला। और ये एक्चुअली पाइपलाइन क्यों बनाई गई है, क्योंकि ये सब कुछ ऑटोमेटेड है। जैसे ये काम होगा ऑटोमेटिक ये होना चाहिए, जैसे ये काम होगा ऑटोमेटेड ये काम होना चाहिए, फिर उससे आगे वाला काम होना चाहिए। तो हमने हर चीज को स्ट्रीमलाइन करके पाइपलाइन में डाल दिया है, ताकि एक के बाद एक काम अपने आप होता चला जाए और हमें कंप्लीट ऑटोमेशन अचीव हो सके। तो इसके लिए अब हमने क्या करना है, सबसे पहले डेवलपर ने कोड को डाला गिटहब के अंदर, यानी वर्जन कंट्रोल में डाला। वर्जन कंट्रोल में जैसे ही कोड आएगा उसको उठा लिया जाएगा बिल्ड के लिए, जैसे ही बिल्ड का काम ओवर होगा उसको उठा लिया जाएगा यूनिट टेस्टिंग। यूनिट टेस्टिंग मतलब उस छोटे से हिस्से को टेस्ट करने के लिए, मैंने जो 50 लाइनों का कोड डाला है उसको टेस्टिंग करने के लिए, क्योंकि पूरा कोड तो अभी आया ही नहीं है एक साथ। अब जब उसकी टेस्टिंग हो जाएगी तो उसको डिप्लॉय करके देखा जाएगा। डिप्लॉय कहां पे, लो लेवल टेस्टिंग हमने करनी है, लो लेयर, लो लेवल एनवायरनमेंट में, यानी कि जहां जितना भी कोड है उसको जस्ट चला के देखना, डिप्लॉय करके देखना, क्योंकि पूरी एप्लीकेशन का कोड अभी मैंने नहीं डाला यहां पे। तो वो डिप्लॉय होगा, यूनिट टेस्टिंग होगी, उसकी डिप्लॉयमेंट होगी, डिप्लॉयमेंट के बाद उसका आगे एक और टेस्टिंग होगी। एक्चुअली होता क्या है कि ये हर लेवल पे टेस्टिंग होती है। देखिए, मैंने आपको बताया कि जैसे मैं अगर एक कार बना रहा हूं, एक कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, तो कार के अंदर क्या क्या लगता है, कार के अंदर इंजन भी लगता है, कार के अंदर गियर भी होते हैं, स्टीयरिंग भी होती है, पहिए भी होते हैं, फ्यूल टैंक भी होता है, सब कुछ होता है। तो क्या कार पूरी बनाने के बाद टेस्टिंग होती है, नहीं, जो इंजन उसमें लगाया जा रहा है वो इंजन जब बनता है तो उसकी टेस्टिंग भी होती है, जो स्टीयरिंग लगाई जा रही है उसको भी पहले टेस्ट किया जाता है, जो पहिए उसमें लगाए जा रहे
हैं, जो टायर लगाए जा रहे हैं, उन टायरों को भी बनाते टाइम टेस्ट किया जाता है, टायर सही तो है, इसकी अलाइनमेंट ठीक है कि नहीं है, जो टायर के अंदर जो हमारी वो होती है व्हील होती है, वो जो क्या बोलते हैं उसको, वो भी उसकी पूरी टेस्टिंग अलाइनमेंट चेक की जाती है। यानी कार की जो चेसिस होती है गाड़ी की, उसको पहले टेस्ट किया जाता है। यानी सारी चीजें अपने अपने लेवल पर टेस्ट की जाती है और फिर जब एक गाड़ी बन जाती है तो उस गाड़ी की टेस्टिंग अलग होती है। तो ऐसे यहां पे हर लेवल पे टेस्टिंग की जा रही है, यूनिट टेस्टिंग है, ऑटो टेस्टिंग है, जहां पे फंक्शनल टेस्टिंग, रिग्रेशन टेस्टिंग, बहुत सारी टेस्टिंग होती है। तो उनकी डिटेल में जाने की अभी आपको जरूरत नहीं है बिगिनर लेवल पे। तो आप मतलब अलग अलग तरह की टेस्टिंग है हर लेवल पे, आप ये समझे, एक काम हुआ फिर टेस्टिंग है, एक काम हुआ फिर टेस्टिंग है। अब ये सारा काम हो गया, हमने उसे प्रोडक्शन एनवायरमेंट में डिप्लॉय करके देखा अपने लेवल पे, हमने अपने लेवल पे। अब जैसे आप मजे की बात सुने, आप कार लेके आते हैं या बाइक लेके आते हैं, तो बाइक वाला कहता है जी इस कार की या इस बाइक की जो एवरेज, अगर मैं बाइक की बात करूं तो इसकी एवरेज है 80 किलोमीटर पर लीटर, यानी ये एवरेज जो देती है 80 किलोमीटर का देती है, 1 लीटर पेट्रोल में ये 80 किलोमीटर चलती है। अब भाई वो गाड़ी तो अभी बनी है, बाजार में आई भी नहीं है, आप कैसे कह रहे हो 80 किलोमीटर चलेगी, आपने चला के कहां देखी, अभी तो आपने बनाई है। तो वो टेस्टिंग हम कहां करते हैं, हम लोग अपने लेवल पे करके देखते हैं, मतलब जहां वो गाड़ी बनाई जा रही है वहां उसको करके देखते हैं, उसके लिए कुछ नहीं किया जाता, उसके लिए उस गाड़ी को स्टैंड पे खड़ा कर दिया जाता है, उसे लगातार चलाया जाता है और देखा जाता है कि ये कितनी देर में पेट्रोल की खपत कर रही है। तो उस तरीके से टेस्टिंग करी, तो ऐसी टेस्टिंग हम अपने लेवल पे करके देखते हैं प्रोडक्शन एनवायरमेंट में, है ना, हमने करके देखा कि क्या ये चलेगा नहीं चलेगा अगर हम इसे रियल टाइम में डिप्लॉय करेंगे। उसके बाद जो भी मेजर हमें लेने हैं, जो भी सजेशंस हैं, वैलिडेट हैं, जो क्वालिटी एश्योरेंस, एक्चुअली यहां पे जो काम किया जाता है वो क्यूओ का काम किया जाता है, क्वालिटी एश्योरेंस, कि क्या ये हमारे पैरामीटर और क्वालिटी के अकॉर्डिंग ठीक है, और उसके बाद उस काम को आगे फीडबैक दिया जाता है। अब मजे की बात देखें, फीडबैक सिर्फ यहां नहीं दिया जा रहा, फीडबैक हर लेवल पे दिया जा रहा है, हर लेवल पे फीडबैक दिया जा रहा है। इससे फायदा क्या है, इस पाइपलाइन का फायदा क्या है, सीआईसीडी पाइपलाइन का, अगर मैंने यहां कोड डाला, समझे बात को, और यही कोई एरर आ गया तो तुरंत डेवलपर को ये नोटिफाई कर देगा, फीडबैक चला जाएगा। एक्चुअली यहां मेरा डेवलपर बैठा है, मेरा डेवलपर यहां बैठा है, समझे आप बात को। अब डेवलपर को फीडबैक गया, डेवलपर उस कोड को सही करेगा, आगे भेजेगा। अगर बिल्ड में कोई एरर आता है तो वो फीडबैक पहुंच जाएगा, इससे पहले कि वो काम आगे पहुंचे मैं उसको पहले ही फीडबैक दे दूंगा कि भाई ये चीज गलत है, ये यही नहीं चल रही, आगे क्या चलेगी, समझ आ रही है बात। तो अब वो फीडबैक उसको मिलेगा, वो उसको करेक्ट करेगा, फिर पुश करेगा, फिर वो काम आगे होगा, और जहां से जैसे जैसे वो एक एक स्टेप पार करता जाएगा, और अगर सक्सेसफुली सारा पार कर गया तो उसको फीडबैक मिल जाएगा सक्सेस का, ठीक है ना, फाइनली उसके पास सक्सेस का फीडबैक यहां से आ जाएगा, ठीक है। और अगर किसी भी लेवल पे उसको कोई गलती पकड़ में आती है तो वो गलती भी उसको तुरंत बता दी जाएगी, यानी आज डेवलपर ने कोड लिखा, आज ही उसको उसकी गलती बता दी जाएगी, ताकि आज वो जिस माइंडसेट के साथ काम कर रहा है आज उसको ठीक कर दे। वही काम 4 दिन बाद उसको दिया जाएगा, यार तुमने 4 दिन पहले ये कोड दिया था इसको ठीक कर दो, तो अब 4 दिन बाद उसको याद थोड़ी रहेगा उसने क्या लिखा था, क्या काम आपने दिया था, क्योंकि बंदा डेली बहुत सारे काम करता है। तो इसीलिए सीआईसीडी पाइपलाइन इतना पॉपुलर है मार्केट में, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंडस्ट्री में या किसी भी एप्लीकेशन डेवलपमेंट में, क्योंकि भैया इसका जो प्रोसेस है ना वो बहुत ही सिस्टमैटिक वे में है। एरर वही पकड़ में आ जाता है जहां पर भी वो नहीं चल रहा है या एरर आने वाला है, वो तुरंत पकड़ में आ जाता है, ठीक है। बजाय इसके कि मैं पूरी पहले बैठ के 10 दिन में एप्लीकेशन लिखूं या 1 महीने में एप्लीकेशन का पूरा कोड लिखूं, फिर उसको आगे लेके जाऊं, फिर कोई गलती आए तो फिर मैं डेवलपर को दूं, बेचारे ने 1 महीने तो पहले कोड बैठ के लिखा, अब 1 महीने में वो उसकी कमी निकालेगा कि इस कोड में गलती क्या है, क्योंकि इतना बड़ा कोड पढ़ने में टाइम लगेगा। तो हमने उस काम को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया और छोटे छोटे हिस्सों को, जो भी वो डेली कोड लिख रहा है उसको वो बिल्ड भी करके देख रहा है आगे, उसने नहीं करना, मशीन अपने आप करेगी, उसके लिए टूल है, जेनकिंस टूल है जिसको हमने अब पढ़ना है। तो आई होप सीआईसीडी पाइपलाइन का भी कॉन्सेप्ट कुछ हद तक आपका क्लियर हुआ होगा। अब मैं इससे आगे की एक और दिलचस्प चीज बताता हूं, क्योंकि अब हम जाने वाले हैं फाइनली जेनकिंस के ऊपर, कि जेनकिंस इस पूरी कहानी में क्यों इंपॉर्टेंट है। अब देखें, आपने ये डेवऑप्स का जादुई छल्ला देखा होगा, मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में इसके बारे में डिटेल में बताया था कि सबसे पहले हम प्लान करते हैं, फिर कोड लिखते हैं अपनी एप्लीकेशन के लिए, फिर उसे बिल्ड करके देखते हैं, टेस्ट करके देखते हैं, फिर उसका एक रिलीज निकालते हैं, और फिर उसको हम डिप्लॉय करके देखते हैं प्रोडक्शन एनवायरमेंट में, चलाकर देखते हैं, ऑपरेट करके देखते हैं, कोई मसला आता है तो फिर हम उसको नोटिफाई करते हैं, उसकी लगातार मॉनिटरिंग भी फिर हम करते रहते हैं, ठीक है। तो ये एक डेवऑप्स की पूरी लाइफ साइकिल थी आपको, जो मैंने फर्स्ट लेक्चर में समझाई है, उसी पे अब दोबारा हमें आना, वही चीज हमने अब, ये जो मैंने इस जादुई छल्ले में समझाया था यही चीजें मैंने यहां पर लिखी हैं। देखिए, सबसे पहले आपने प्लान करना है,
प्लान करके आपने उसका कोड लिखना है, और कोड लिखकर आपने कहाँ डालना है, आपने गिटहब पे डालना है या सब वर्जन का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसका भी इस्तेमाल आप करना चाहें। आपने अपना कोड लिख लिया, अब कोड लिखने के बाद आप क्या करेंगे, आप उसे बिल्ड करेंगे, ठीक है। बिल्ड करने के लिए आप कई सारे टूलों का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें मैवन भी है, ग्रेडी भी है, बहुत सारे टूल्स हैं हमारे पास, बट पॉपुलर जो है वो मैवन है, मैवन को ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। तो हम उसे बिल्ड करेंगे, उसके बाद हमें टेस्ट करना है, तो टेस्ट के लिए फिर हमारे पास अलग टूल है, सेलेनियम है, जे यूनिट है, और बहुत सारे टूल हमारे पास अवेलेबल है। हमने उसकी टेस्टिंग करी, टेस्टिंग के बाद हमने डिप्लॉय और ऑपरेट करके देखना है, तो इसके लिए हमारे पास एक टूल होते हैं, जैसे कि शेफ है, पपेट है, जितने भी कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट टूल है, क्योंकि शेफ का काम क्या है, आपने जो भी काम किया उसे मशीनों पर डिप्लॉय करना, कॉन्फ़िगर करना, तो यहां पर शेफ और पपेट जो है हमारे टूल आ जाते हैं। और मॉनिटरिंग के लिए जो हमारा पॉपुलर है वो है नेगियोस, और भी बहुत सारे हैं, आप कोई भी ले सकते हैं अभी जो मार्केट में चल रहे हैं, बट नेगियोस भी काफी अच्छा है। तो इस तरीके से ये हर लेवल पे, जो मैंने ये जादुई छल्ला बताया, हर लेवल पे एक टूल काम करता है। अब एक तरीका तो ये है कि मैं खुद से कोड लिखूं, गिटहब पे डालूं, और फिर गिटहब से उठा के मैं उसे लेके जाऊं मैवन के पास, मैवन पे जब काम हो जाए तो मैं उसको आगे भेजूं सेलेनियम के पास, सेलेनियम पे जब काम हो जाए तो मैं उसे आगे भेजूं शेफ के पास, और जब शेफ का काम हो जाए तो मैं उसे आगे भेजूं नेगियोस के पास मॉनिटरिंग के लिए। थोड़ा मुश्किल है ना। अब इसके लिए हमने क्या करना है, इसके लिए हमने कहा कि यार ये सारा काम हमने नहीं करना, हम एक ऐसा टूल बनाते हैं जो काम पूरा होते ही उस काम को आगे लेके जाए, और फिर उस काम को आगे लेके जाए। यानी हमने एक ऐसा टूल बनाया, और इसलिए हम बीच में यहां पर लिखते हैं इंटीग्रेशन टूल, इंटीग्रेट आप कह लें या इंटीग्रेशन आप कह लें, हमने बनाया इंटीग्रेशन टूल, और वो इंटीग्रेशन टूल का नाम ही है जनाब जेनकिंस। बात समझ आई जेनकिंस का काम क्या है। अब जेनकिंस क्या करेगा आप देखें, मैं आपको बताता हूं, आपको अभी कहानी सब समझ आने लगेगी, क्योंकि पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। चले अच्छी बात है। तो देखिए, अब मैंने कोड लिखा, गिटहब पे कोड आया, जेनकिंस उस कोड को पुल करेगा, यानी मुझे कुछ नहीं करना, मैंने कोड, मैं एक डेवलपर हूं, मैंने कोड बना के सिर्फ गिटहब पे डालना है, मेरा काम सिर्फ इतना है, उसके बाद जो कुछ होगा जेनकिंस अपने आप करेगा, मुझे कुछ देखने की जरूरत नहीं है, मेरे पास फाइनली रिवर्ट आ जाएगा, नोटिफिकेशन आ जाएगा कोड सही है या गलत है। तो ये सबसे अच्छी चीज है। तो मैंने ऑटोमेशन कर दिया, आगे का पूरा प्रोसेस मैंने ऑटोमेशन कर दिया, ऑटोमेटिक कर दिया, अपने आप होगा। तो मैंने जैसे ही गिटहब में अपना कोड डाला, जेनकिंस उसको उठाएगा, उसको पुल करेगा, और पुल करने के बाद उसको मैवन के पास भेज देगा कोड को बिल्ड करने के लिए। कोड जैसे ही यहां बिल्ड होगा, जेनकिंस फिर उसको उठाएगा और उसको आगे भेजेगा टेस्टिंग के लिए। यानी जेनकिंस कर रहा है ये काम। अब जो आगे भेजने का काम था वो कौन कर रहा है, जेनकिंस कर रहा है। फिर जब ये टेस्ट वाला काम पूरा हो जाएगा, तो जेनकिंस फिर यहां से कोड उठाएगा और उसको आगे शेफ या पपेट के पास भेजेगा ऑपरेट के लिए, डिप्लॉयमेंट के लिए। जब ये काम यहां पर कॉन्फ़िगर हो जाएगा, तो जेनकिंस उसको आगे मॉनिटरिंग के लिए भेजेगा। यानी ये जो बंदा है ना जेनकिंस, इसको अगर मैं एक बंदा मान लूं, तो इसकी जिम्मेदारी है काम पूरा होने के बाद उसको आगे लेके जाना। बात समझ आ रही है। तो जेनकिंस को इसीलिए कहा जाता है हार्ट ऑफ द सिस्टम, या हार्ट ऑफ द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, या हार्ट ऑफ द डेवऑप्स। जेनकिंस वो टूल है जो सबके दरमियान, देखें आप ये दिल की तरह बीच में है, अगर ये यहां पे ना हो ना, तो ये सिस्टम आपस में एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा। ये अलग है, ये अलग है, आप इसको ऐसे देखें। इनको जोड़ा किसने हुआ, इस बंदे ने, जेनकिंस ने जोड़ा हुआ है, और इसके थ्रू वो पूरा प्रोसेस बहुत स्ट्रीमलाइन हो जाता है, ऑटोमेट हो जाता है। और ये आपके ऊपर है, आप किस चीज को ऑटोमेट करना चाहते हैं, किसको नहीं करना चाहते। ऐसा नहीं है हर चीज अपने आप ऑटोमेटिक ही होगी, किसी चीज को आप ब्रेक करना चाहते हैं कि ये हिस्सा मैं खुद चेक करना चाहता हूं, आप कर सकते हैं, वो पॉसिबिलिटी है। पर जेनकिंस का काम क्या है, ये इंटीग्रेशन टूल है, यानी जो काम हो जाएगा उसको आगे लेके जाना। इंटीग्रेशन का मतलब ही होता है जोड़ना, है ना। अंग्रेजी में इंटीग्रिटी का मतलब क्या होता है, एकता, जोड़ना, या एक कहते हैं ना एक एकता, उसको हम लोग हिंदी में कहते हैं। तो इसीलिए इंटीग्रेशन का मतलब है कि इसने जोड़ा है उन सारे टूल्स को, कि एक का काम दूसरे तक लेके जाना है, दूसरे का काम तीसरे तक लेके जाना है, ये वो बंदा है,
ठीक है ना, घर के अंदर एक बंदा होता है ना जो सबसे बना के रखता है, अगर एक की लड़ाई हो जाती है दूसरे से तो बीच में आता है, सुलह करवाता है कि नहीं यार लड़ना नहीं है, आओ हाथ मिलाओ, शेक हैंड करो। तो ये वो बंदा है जो शेक हैंड करवाता है इनके बीच में और एक कॉम्बिनेशन बना के रखता है ताकि पूरी डेवऑप साइकिल जो है वो प्रॉपरली फ्लो में रहे, ऑटोमेटेड रहे। इसीलिए ये साइकिल जो है ना ये इस तरीके से होती है, ये इस तरीके से मूव करती रहती है कॉन्टिन्यूस। इसीलिए ये बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है ये डेवऑप साइकिल, क्योंकि ये कॉन्टिन्यूस इंटीग्रेट हो रहा है, कॉन्टिन्यूस डिप्लॉय हो रहा है, कॉन्टिन्यूस इंटीग्रेट हो रहा है, कंटीन्यूअस डिप्लॉय हो रहा है या डिलीवर हो रहा है, व्हाटएवर। तो इसीलिए ये बड़ा इंटरेस्टिंग होता है ये साइकिल, इसीलिए ये इस तरीके से मूव करता हुआ दिखाया जाता है। समझ आ रही है बात? आई होप डेवऑप्स में अब आपको मजा आने लगा होगा, क्योंकि अब आपके काफी सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे, बिकॉज अब हम ना मेजर टॉपिक्स पे आने वाले हैं। जो डेवऑप्स के टूल्स हमने पढ़ लिए, अब उनके थ्रू सारा काम कैसे होगा वो हमें देखना है, और वो सारे काम ना अब हम जोड़ के करेंगे। अब हमें गिट का भी इस्तेमाल करना है, हमें मैवन का भी इस्तेमाल करना है ना, हमें शेफ का भी इस्तेमाल करना है, और हम फिर जेनकिंस के थ्रू ऑटोमेट करके देखेंगे कि क्या मैंने कोड जैसे ही डाला उसने बिल्ड के लिए उठाया कि नहीं उठाया, तो वो काम जेनकिंस करेगा। ठीक है, इसीलिए आप जेनकिंस का लोगो अगर देखेंगे ना तो एक बंदा होता है हाथ में ऐसे, जो वेटर नहीं होते हाथ में यहाँ पे एक तौलिया लगाया होता है और यस सर मे आई हेल्प यू इस तरीके से, तो जेनकिंस का जो लोगो है ना वो उसी तरीके से है, वो हाथ में एक तौलिया लेके एक वेटर वाली पोजीशन में और एक वेटर वाली ड्रेस में वो बंदा खड़ा हुआ है। आप कभी ध्यान से देखिएगा जेनकिंस का लोगो, आपको मेरे स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा। इससे मुराद क्या, इससे मतलब क्या, ये लोगो आपको यही बता रहा है कि आपने सिर्फ काम करना है, आई विल सर्व यू। वो बंदा ऐसे ही खड़ा है ना, तो I will serve you my boss। तो आप होटल में जाते हैं, आप कहते हैं हमारे लिए शाही पनीर लाएं, तो वो कहता है यस सर मैं लेके आता हूं, वो आपके लिए शाही पनीर लाता है। आप कहते हैं आप पानी लाना भूल गए, पानी भी लेके आए, वो कहता है यस सर मैं लाता हूं, वो पानी भी लाके आता है। फिर आप कहते हैं हमने खाना खा लिया, सौंफ लेके आए, वो कहता है यस सर मैं लाता हूं। तो अब ये जो बंदा है ना ये वही बंदा है, ये बेचारा सबका काम उठा के लेके जाता है, करके लाता है, क्योंकि अब आपने शाही पनीर मंगाया तो ये लेके आएगा, पर किससे लेके आएगा, अंदर जो शेफ बना रहे हैं तो उनके पास भी ये जाएगा, आपको लाके डिलीवर करेगा। आप कहेंगे सौंफ लेके आइए, तो जो बंदे के पास सौंफ रखी है उसके पास जाएगा, सौंफ लेके आएगा। तो यही जाता है लेके आता है, यही जाता है लेके आता है। तो जेनकिंस वही काम तो कर रहा है, गरीब आदमी ये यहां जा रहा है लेके आ रहा है, फिर इसको दे रहा है, फिर इसका काम लेके जा रहा है इसको दे रहा है। बात समझ आ रही है? शाही पनीर बन गया शेफ के पास, लेके कस्टमर को दिया, कस्टमर ने खा लिया तो बिल बनाने के लिए मालिक के पास गया, मालिक का बिल लाके कस्टमर को दिया। तो ये जो प्रोसेस है ना यही ये गरीब आदमी कर रहा है। समझ आ रही है बात? तो आई होप जेनकिंस की एक कहानी आपके दिमाग में बहुत अच्छे से बैठ गई होगी कि भैया जेनकिंस क्या करता है। तो जेनकिंस क्या है? एक इंटीग्रेशन टूल है या सीआई टूल है, सीआई टूल आप इसे कहेंगे, सीआई कंटीन्यूअस इंटीग्रेशन टूल। जेनकिंस के अलावा कौन कौन से टूल मार्केट में फेमस है? जो सबसे ज्यादा फेमस जेनकिंस के अलावा एक टूल है, उसका नाम है बैम्बू, अल्टासियन बैम्बू। ओके, तो बैम्बू एक टूल है जो बहुत ज्यादा फेमस है। इसके अलावा मेरे ख्याल में ट्रेविस सीआई भी आता है, ट्रेविस सीआई, ये भी काफी पॉपुलर है। ठीक है, इसके बाद बिल्डबॉट एक टूल है, वो भी काफी फेमस है, बिल्डबॉट। तो ये वो सारे टूल हैं जो बहुत ज्यादा पॉपुलर है। तो लेकिन इन सब में जेनकिंस क्यों पॉपुलर है? बिकॉज जेनकिंस जो है ओपन सोर्स है, यानी कि फ्री है, बाकी सब पेड हैं, खरीदने पड़ते हैं। इसीलिए जेनकिंस मार्केट में ज्यादा पॉपुलर हो गया, और आज की डेट में कोई भी इंडस्ट्री जो डेवलपमेंट में है वो जेनकिंस के बिना काम नहीं करती। तो अब आइए चलते हैं फाइनली जेनकिंस के ऊपर और इसे स्टार्ट करते हैं। तो अब हम फाइनली बात करते हैं जेनकिंस की, कि जेनकिंस क्या है। तो डिटेल में एक बार देख लेते हैं इसके सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, सो दैट जब भी आप इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करें या अगर आप ऑलरेडी किसी इंडस्ट्री में हैं तो आपको पता हो कि यार जेनकिंस की इंपॉर्टेंस क्यों है इतनी। जेनकिंस इज एन ओपन सोर्स, ये आपको पता है, ये एक ओपन सोर्स है, यानी कि इसके लिए आपको कोई पैसे देने की जरूरत नहीं है, किसी भी सर्विस को लेने के लिए, इस टूल को इस्तेमाल करने के लिए किसी लाइसेंस की जरूरत नहीं है। जेनकिंस इज एन ओपन सोर्स प्रोजेक्ट रिटन इन जावा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपके सिस्टम में जावा इंस्टॉल नहीं है तो आप जेनकिंस नहीं चला सकते। ठीक है, ये डिपेंडेंसी है एक तरीके की, क्योंकि ये जेनकिंस जो है ये जावा में लिखा गया है, पूछा भी जा सकता है। जे से जेनकिंस, जे से जावा, याद रखिएगा। जेनकिंस किस लैंग्वेज में लिखा गया है? जावा में लिखा गया है। दैट रन्स ऑन विंडोज, मैक एंड अदर यूनिक्स लाइक ऑपरेटिंग सिस्टम, किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे चलता है। कोई डिपेंडेंसी ऐसी नहीं है कि भाई जावा में लिखा गया है विंडो पे नहीं चलेगा, मैक पे नहीं चलेगा, लिनक्स या यूनिक्स पे नहीं चलेगा, ऐसा कोई मसला नहीं है। सभी ऑपरेटिंग सिस्टम्स पे ये फुली सपोर्ट करता है, पोर्ट नंबर 8080 पे ये काम करता है। ठीक है, वो मैं आपको लैब में दिखाऊंगा। इट इज फ्री,
कम्युनिटी सपोर्टेड। जेनकिंस क्यों इतना पॉपुलर है आज दुनिया भर में? तो इसका एक ही आंसर है, जस्ट बिकॉज ऑफ कम्युनिटी सपोर्ट एंड लॉट्स ऑफ प्लगइन्स अवेलेबल। इसका अगर आपसे इंटरव्यू में पूछा जाए तो आपको सिर्फ यही देना है, स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी सपोर्ट एंड लॉट्स ऑफ प्लगइन्स आर अवेलेबल। प्लगइन्स क्या होते हैं उसकी भी बात हम करेंगे, लेकिन यहां बहुत सारे प्लगइन्स का सपोर्ट मिलता है, ठीक है? तो मैं बताऊंगा प्लगइन्स क्या होता है, परेशान नहीं होना आपको, ठीक है? एंड माइट बी योर फर्स्ट चॉइस टूल फॉर CI। तो जेनकिंस किस लिए होता है? CI के लिए। और अब तक आपको समझ आ चुका है CI क्या होता है, कंटीन्यूअस इंटीग्रेशन, ठीक है? तो CI का सबसे पॉपुलर टूल कौन सा है? जेनकिंस है। जेनकिंस के अलावा बैम्बू आता है, ट्रेविस CI आता है, बिल्डबॉट आता है, मैंने आपको बताया है, पर हम जेनकिंस पे लैब करेंगे क्योंकि सबसे ज्यादा पॉपुलर यही है, क्योंकि ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। अगर इसके कंपैरिजन में बैम्बू की बात करूं तो एक तो वो कॉस्टली है, खरीदना पड़ता है आपको, दूसरा जो उसके प्लगइन्स है वो उतने ज्यादा सपोर्टिव नहीं है, यानी सारे टूल्स के साथ वो उसके प्लगइन्स अवेलेबल नहीं है सभी टूल्स के लिए, ठीक है? प्लगइन्स की बात हम करेंगे अभी, कोई टेंशन नहीं है। जेनकिंस ऑटोमेट द एंटायर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। अब ये ना पूछना कि इसका मतलब क्या, अभी जस्ट यही समझाया है आपको मैंने कि पूरे लाइफ साइकिल को वो क्या करता है, ऑटोमेट कर देता है। कोड से उठाएगा, बिल्ड के लिए भेजेगा, बिल्ड से उठाएगा, टेस्ट के लिए भेजेगा, टेस्ट से उठाएगा, डिप्लॉयमेंट को भेजेगा। समझाया था ना अभी मैंने, वो गरीब आदमी जो हाथ में तौलिया लगा के खड़ा होता है, सर पनीर लाऊं, सर शाही पनीर लाऊं, सर पानी लाऊं, सर सौंफ खिलाऊं, ठीक है? तो चले अच्छी बात है। तो ये क्या करता है, ऑटोमेट कर देता है, ऑटोमेटिक कर देता है। एक काम होते ही दूसरा अपने आप स्टार्ट हो जाएगा, वो काम होते ही तीसरा अपने आप स्टार्ट हो जाएगा, पर जिम्मेदारी किसकी है, इस बंदे की है, ठीक है? जेनकिंस वॉज ओरिजिनली, ये भी बड़ी अच्छी बात है, हिस्ट्री भी पता होनी चाहिए। जेनकिंस वॉज ओरिजिनली डेवलप बाई सन माइक्रोसिस्टम। इस कंपनी ने बनाया था जेनकिंस को सबसे पहले 2004 में अंडर द नेम हडसन, ठीक है? तो ये सबसे पहले बनाया गया था 2004 में, हडसन नाम का एक प्रोजेक्ट था जिसमें ये बनाया गया था। हुआ क्या, बाद में ओरेकल ने इस कंपनी को खरीद लिया, माइक्रोसिस्टम्स को, और खरीदने के बाद उन्होंने क्या किया, हडसन प्रोजेक्ट्स में से जेनकिंस को अलग कर दिया और हडसन को अलग कर दिया। ये चीज बड़ी ध्यान देने वाली है, उन्होंने हडसन प्रोजेक्ट से जेनकिंस को अलग किया, हडसन को अलग किया। इससे मतलब क्या है, इससे मतलब ये है कि उन्होंने दो वर्जन बनाए, क्योंकि देखिए कोई भी कंपनी है ना वो अपना भी फायदा देखती है, तो वो कहते, उन्होंने ये सोचा कि यार जेनकिंस को तो फ्री कर देते हैं और एक अगर किसी को हमारा भी सपोर्ट चाहिए, ओरेकल का सपोर्ट चाहिए, तो वो हडसन ले सकता है। दिस इज एंटरप्राइज एडिशन, एंटरप्राइज एडिशन, यानी इसके लिए आपको पे करना पड़ेगा। ये भी जेनकिंस का बड़ा भाई है, इसमें उन्होंने कहा कि हम ज्यादा सपोर्ट देंगे, ज्यादा सर्विसेज आपको देंगे, तो आप हडसन खरीद सकते हैं, अदरवाइज हमारा ही टूल जेनकिंस भी है और वो फ्रीली अवेलेबल है, आप फ्री वाला भी ले सकते हैं, पेड वाला भी ले सकते हैं। तो दोनों ऑप्शन ओरेकल ने आपको प्रोवाइड कराए। पर मजे की बात क्या हुई कि पूरी दुनिया, चाहे कोई भी हो, चाहे कंपनी हो, चाहे हम हो, हमें फ्री वाली चीज ज्यादा अट्रैक्ट करती है। तो हुआ ये कि हडसन तो इतना पॉपुलर नहीं हुआ, पर ये जो फ्री वाला टूल था जेनकिंस, ये आज की डेट में इतना पॉपुलर हो गया कि एक स्टैंडर्ड बन गया और इतना पॉपुलर हो गया, और ये फ्री है और इसकी कम्युनिटी बड़ी स्ट्रांग है। कम्युनिटी से मतलब ये, क्योंकि ये ओपन सोर्स है, तो हर बंदे ने जो भी काम किया है, प्लगइन्स बनाया है, वो उसको डाल सकता है, जेनकिंस के कम्युनिटी पे डाल सकता है। आपको सारे प्लगइन्स मिल जाते हैं बने बनाए, सारी डॉक्यूमेंटेशन मिल जाती है किस काम को कैसे करना है, लोगों ने बहुत बेहतर तरीके से वहां पे डाला हुआ है वो सारा डेटा, तो इसकी कम्युनिटी बहुत स्ट्रांग है। जबकि हडसन जो है वो अब इतना पॉपुलर नहीं रहा, क्योंकि उसके लिए हमें पैसे खर्च करने पड़ेंगे, तो किसी ने पैसे ही खर्च नहीं करे। दूसरी बात, जो चीज देखे जितनी पॉपुलर होती है ना उसकी डिमांड उतनी बढ़ती है, जब ये इस्तेमाल ही नहीं हो रहा तो फिर इसके प्लगइन्स की डिमांड नहीं आई, इसकी डॉक्यूमेंटेशन की डिमांड नहीं आई। जबकि दूसरी तरफ जेनकिंस पॉपुलर होता चला गया और ये फ्री होने की वजह से हर लोगों ने इसमें अपना कंट्रीब्यूशन देना शुरू कर दिया, किसी ने कुछ नया कुछ बनाया जेनकिंस से लेके, क्योंकि जेनकिंस इज नॉट ओनली अ टूल, जेनकिंस इज अ फ्रेमवर्क, ये आपको समझना पड़ेगा। जेनकिंस सिर्फ एक टूल नहीं है, एक फ्रेमवर्क है, उसकी भी मैं बात करूंगा, परेशान नहीं होना। तो आप ये याद रखें कि हडसन और जेनकिंस दो अलग अलग चीजें हैं, जेनकिंस फ्री है और हडसन जो है वो पेड है, यानी कि ये एंटरप्राइज वर्जन है, ये मेरा फ्री वर्जन है, और मैंने बता दिया कि अब इनका क्या फायदा नुकसान है। इट कैन रन ऑन एनी मेजर प्लेटफॉर्म विदाउट एनी कंपैटिबिलिटी इशू। ये किसी भी प्लेटफॉर्म पे चलेगा, जेनकिंस आप विंडो पे चलाओ, मैक पे चलाओ, लिनक्स पे चलाओ, क्यों? क्योंकि जेनकिंस आपको इंस्टॉल करना पड़ता है। अब मैं आपसे कहूंगी यार आपने AWS अकाउंट बनाना है और AWS पे EC2 इंस्टांस लॉन्च करना है, तो क्या इससे फर्क पड़ता है कि आपने AWS अकाउंट लिनक्स मशीन के थ्रू बनाया है या मैक ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू बनाया है या विंडो के थ्रू बनाया है? आप विंडो पे लॉग इन करोगे AWS मैनेजमेंट कंसोल में तब भी वैसा ही दिखेगा, आप मैक
पे उसे लॉगिन करोगे AWS अकाउंट को, तब भी वैसा दिखेगा क्योंकि वो एक वेब सर्विस है। सिमिलरली Jenkins टूल जो है वो आपको सब जगह सेम दिखता है, कोई कंपैटिबिलिटी इशू नहीं है, बट हाँ जावा इंस्टॉल होना जरूरी है आपकी मशीन के ऊपर, तभी Jenkins काम करेगा क्योंकि Jenkins जावा में लिखा गया है। इतनी बात आपको याद रखनी है। Whenever develop write code, we integrate all that code of all developer at that point of time and we build. ये मैंने आपको बताया था कि हमने कोड लिया, उसे GitHub में डाला, GitHub से हमने उसे build के पास भेजा, Maven के पास, build Maven जो टूल है वो build के लिए होता है। पर ये कौन भेजेगा उसको? Jenkins भेजेगा, हमने नहीं मैनुअली नहीं भेजना, सब कुछ ऑटोमेटिक है। आपको तो बस कोड GitHub में डालना है, GitHub से Jenkins अपने आप उठाएगा, build के लिए भेजेगा, फिर वो टेस्ट करवाएगा, फिर वो डिलीवर डिप्लॉय कराएगा टू द क्लाइंट। और इसी पूरे प्रोसेस को क्या कहते हैं? CI/CD कहते हैं। तो ये पूरी आपको समझ आ चुकी है CI/CD पाइपलाइन क्या होती है, क्या बेनिफिट है CD की। हालांकि अभी मैंने डिटेल में बात नहीं की है, तो CD की भी मैं बात अभी जस्ट आपसे करूंगा। Jenkins help us to achieve this because of CI. Now bugs will be reported fast. Bugs मतलब error, जो भी error है मेरे code के अंदर वो मुझे जल्दी पकड़ में आ जाएगा, मैं उसको जल्दी ठीक कर सकता हूँ और overall application जो है वो जल्दी बन जाएगी और live हो जाएगी। तो ये पूरा एक process है, Jenkins की एक बुनियादी बातें हैं जो आपको मालूम होनी चाहिए क्योंकि Jenkins एक open source है। इसका paid version किस नाम से available है? Hudson के नाम से available है। ये बात आपको मैं दोबारा से बता रहा हूँ। तो चलिए अब इससे आगे की बात कर लेते हैं। तो अब जरा हम देखते हैं कि Jenkins का वर्कफ्लो क्या है या Jenkins किस तरीके से काम करता है। तो अगेन मैं अपनी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल बनाता हूं, लेकिन और इजी वे में बनाता हूं सो दैट आपको समझ आए। देखें, सबसे पहले मेरा डेवलपर है, मैं बार बार इसलिए बना रहा हूं क्योंकि आपका इस वीडियो लेक्चर से हर एक डाउट क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले मेरा डेवलपर है, डेवलपर मेरे कोड को पुश करेगा मेरे GitHub के पास। बात समझ आ रही है? मैं आप डायरेक्ट टूल्स के नाम लिख रहा हूं कि कैसे कैसे काम होगा। तो डायरेक्ट मेरा कोड को पुश करेगा, डेवलपर मेरे कोड को पुश करेगा GitHub के पास, और GitHub से वो कोड मेरा कहां जाएगा? वो कोड मेरा पुल कर लेगा कौन? Jenkins। तो ये Jenkins का काम है GitHub से कोड को पुल करना, क्योंकि आपको पता है ये मैंने इंटीग्रेशन टूल है, ये हमारा कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन टूल है। तो Jenkins ने कोड को पुल किया, पुल करने के बाद Jenkins इस कोड को भेजेगा बिल्ड के लिए, और बिल्ड के लिए वो किस टूल का इस्तेमाल करेगा? बिल्ड के लिए वो इस्तेमाल करेगा Maven का। तो Maven टूल का उसने इस्तेमाल किया फॉर एग्जाम्पल, और Maven ने उस कोड को बिल्ड कर दिया यानी कंपाइल कर दिया। कंपाइल करने के बाद एक उसने एक फाइल बना ली .exe एग्जीक्यूटेबल फाइल बना ली फॉर एग्जाम्पल, आप ऐसा समझे। और फिर Jenkins क्या करेगा, जब वो काम पूरा हो जाएगा तो वो फिर पुल करेगा उस फाइल को, वो फिर उठा के लाएगा, और अब की बार वो उस फाइल को भेज देगा टेस्टिंग के लिए। और टेस्ट के लिए सपोज हम इस्तेमाल कर रहे हैं सेलेनियम, तो हमने सेलेनियम पे हमने टेस्टिंग की। तो पहले उसने GitHub से उठाया, फिर उसने बिल्ड किया, बिल्ड करने के बाद उसने सेलेनियम पे टेस्टिंग के लिए भेज दिया। जैसे ये काम हो जाएगा, Jenkins यहां से भी इसको उठा के लाएगा, और उठा के लाने के बाद उसको भेज देगा क्वालिटी एश्योरेंस के लिए। यहां पे आप चेक स्टाइल का इस्तेमाल कर सकते हैं, ये एक टूल है क्वालिटी एश्योरेंस के लिए। जैसे ही ये सारा काम हो जाएगा, सब कुछ परफेक्ट हो जाएगा, तो अब क्या होगा? अब Jenkins उसको डिप्लॉय कर देगा। अब यहां ये दो चीजें कर सकता है, डिप्लॉय भी कर सकता है और डिलीवर भी कर सकता है, यानी यहां पे दो रास्ते निकलते हैं, डिप्लॉय और डिलीवर। इसीलिए मैंने कहा था कि कंटीन्यूअस इंटीग्रेशन कंटीन्यूअस डिलीवरी भी हो सकता है या कंटीन्यूअस डिप्लॉयमेंट भी हो सकता है, हालांकि जो सही टर्म है वो कंटीन्यूअस डिलीवरी है। ठीक है, तो देखिए यहां पे दो चीजें हमारे पास है, डिप्लॉय और डिलीवर। डिलीवर का मतलब है कि हमने हमारी एप्लीकेशन को रेडी कर दिया, और रेडी करने के बाद अपने कस्टमर को दे दिया कि भाई ये आपकी एप्लीकेशन है, आप इसे इंस्टॉल कर लें। ठीक है, बात समझ आ रही है? तो अब हमने उसको डिलीवर कर दिया प्रोडक्ट, एप्लीकेशन बनाई हमने कस्टमर को दे दी। अब उसकी हेडेक है वो उसे अपने मशीन पे अपने सर्वर पे कैसे इंस्टॉल करे। फॉर एग्जांपल आप एक विंडो की लेके आते हैं, विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम की सीडी लेके आते हैं मार्केट से, क्योंकि आपको पता है कि मुझे इंस्टॉल करना आता है। तो आप सीडी खरीद लाएंगे और आप अपने लैपटॉप में उस सीडी को चलाएंगे, या बूटेबल फाइल अपने फ्रेंड से लेके आएंगे पेन ड्राइव में, और अपना विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम खुद से इंस्टॉल कर लेंगे अपने लैपटॉप के ऊपर। पर अगर आपको नहीं आता तो आप क्या करेंगे? आप अपने फ्रेंड के पास जाएंगे या दुकानदार के पास जाएंगे, कहेंगे भैया मेरा ये लैपटॉप है, इसमें ना विंडो दोबारा से इंस्टॉल कर दो। वो कहेगा 100 या 200 रुपए लगेंगे, वो कर देगा। तो अब दोनों चीजों में फर्क सिर्फ इतना है कि एक जगह दूसरे बंदे ने वो काम आपको करके दिया, और वही काम अगर आपको करना आता है तो आपने खुद से कर लिया। तो डिलीवर और डिप्लॉय में यही फर्क है।
डिलीवर का मतलब है मैंने प्रोडक्ट बनाया, एप्लीकेशन बनाई और क्लाइंट को दे दी, क्योंकि मुझे पता है मेरा क्लाइंट जो है वो टेक्निकल पर्सन है, उसके पास बंदे अवेलेबल है, वो खुद से इंस्टॉल करना जानते हैं, तो उनको तो मैं डायरेक्ट डिलीवर कर दूंगा प्रोडक्ट। मेरा प्रोडक्ट बन गया और मैंने उनको डायरेक्ट डिलीवर कर दी वो एप्लीकेशन। लेकिन अगर मेरा बंदा जो है वो टेक्निकल नहीं है, मेरे कस्टमर जो है वो कहते हैं हमें इस एप्लीकेशन को चलाना नहीं आता, डिप्लॉय करना नहीं आता, हमें आपका सपोर्ट चाहिए, तो मेरे बंदे जाएंगे और मेरे बंदे जाके उस मशीन पे, उनके पास जो भी सर्वर है वहां पे उस मशीन को डिप्लॉय करके आएंगे, इंस्टॉल करके आएंगे, कॉन्फ़िगर करके आएंगे और चला के आएंगे और बकायदा उनको सिखा के आएंगे कि अब इस पे काम कैसे करना है। तो ये दो चीजें हैं एप्लीकेशन डेवलपमेंट के बाद। ये पूरा प्रोसेस जो है ये कहलाता है हमारा CI, कंटीन्यूअस इंटीग्रेशन, यानी ऊपर का जो ये हिस्सा है ये है मेरा CI। और अगर मैं इस हिस्से के साथ डिप्लॉय या डिलीवरी को भी जोड़ दूं तो ये मेरा कहलाएगा CICD। तो आई होप अब आपको समझ आ गया होगा CI क्या होता है, CICD क्या होता है। तो इसी पूरे प्रोसेस को CICD कहते हैं। आई होप मैंने आपको बहुत डिटेल में ये समझा दिया। तो एक बार इसी वर्कफ्लो को यहां पर देख लेते हैं। वी कैन अटैच गिट, मैवन, सेलेनियम एंड आर्टिफैक्ट्री प्लगइन्स टू जेनकिंस। देखिए यहां पे टर्म आती है प्लगइन्स, जिसकी मैं आपसे बात कर रहा था कि मैं आपको बताऊंगा कि प्लगइन्स क्या होता है। देखिए प्लगइन्स का मतलब क्या है, बड़ी सिंपल सी चीज है। अगर मैं बात करूं आपके लैपटॉप की, सपोज दिस इज माई लैपटॉप, तो इस लैपटॉप के अंदर कुछ पोर्ट्स अवेलेबल होते हैं। आपने जनरली देखा होगा कि किसी भी माउस को लेकर कहा जाता है दिस इज प्लग एंड प्ले, किसी स्पीकर के बारे में कहा जाता है प्लग एंड प्ले। तो प्लग एंड प्ले का मतलब क्या है कि आप इसे लगाएं और यूज करें, प्लग एंड प्ले। तो प्लग एंड प्ले का मतलब है कि मेरे पास यहां पे एक USB पोर्ट अवेलेबल है मेरे लैपटॉप में, मैंने उस USB पोर्ट से सपोज अपने माउस को कनेक्ट कर दिया तो मेरा माउस जो है वो अब वर्क करने लगेगा मेरे लैपटॉप के साथ। तो ये जो पोर्ट है दैट इज नोन एज प्लग इन, क्योंकि इसी में मैंने लगाकर इस माउस को इसके साथ कनेक्ट करा दिया ताकि अब ये दोनों आपस में कम्युनिकेट कर सके। ऐसे ही अगर आपने अपनी हेडफोन लगानी है तो उसके लिए आपके लैपटॉप में 3.5 mm का जैक होना चाहिए जिसमें कि वो लग सके। तो अगर 3.5 mm कनेक्टिविटी आपके लैपटॉप में है, वो पोर्ट अवेलेबल है, तो आप अपने हेडफोन को भी लगाकर उससे गाने सुन सकते हैं, यानी कि दैट इज अ कनेक्टिविटी जिससे कि ये आपस में सारी डिवाइसेस कनेक्ट हो सके। ऐसे ही अगर टाइप सी पोर्ट आपके लैपटॉप में अवेलेबल है तो टाइप सी केबल भी आप अपने लैपटॉप में लगा सकते हैं। सो दीज आर पोर्ट्स या फिर कनेक्टिविटी, तो इन्हीं को हम प्लगइन्स कहते हैं। ऐसे ही प्लगइन्स जेनकिंस के लिए अवेलेबल होते हैं, जिन प्लगइन्स की हेल्प से जेनकिंस कम्युनिकेट करता है इन बाकी टूल्स के साथ। फॉर एग्जांपल अगर मैं गिटहब की बात करूं तो गिटहब के लिए जेनकिंस में एक प्लगइन अवेलेबल होता है जो हम जेनकिंस पे अवेलेबल करा देंगे और उस प्लगइन की हेल्प से अब गिटहब जो है वो जेनकिंस से कम्युनिकेट करने लगेगा या कनेक्ट हो जाएगा ताकि जेनकिंस उससे सोर्स कोड उठा सके। ऐसे ही मैवन का एक प्लगइन आता है जो हमें जेनकिंस पे लगाना पड़ेगा, ऐसे ही सेलेनियम का प्लगइन आता है जो हमें जेनकिंस पे लगाना पड़ेगा, ऐसे ही चेक स्टाइल के लिए या QA के लिए हम यहां पे एक प्लगइन लगाएंगे। तो प्लगइन्स आते हैं, इवन डिलीवरी के लिए हम प्लगइन लगाएंगे। तो मल्टीपल प्लगइन्स अवेलेबल हैं जो हमें लगाने पड़ेंगे और जिनकी हेल्प से ये बाकी जितने भी टूल हैं जेनकिंस के साथ कनेक्ट हो जाएंगे और कम्युनिकेट कर पाएंगे और सारे एक दूसरे से फिर क्या होंगे, एक प्रॉपर सिस्टम में, डेवऑप्स साइकिल में काम करेंगे। सो दिस इज इंपॉर्टेंट। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि जेनकिंस की जो कम्युनिटी है, जो प्लगइन सपोर्ट है, वो इतना अच्छा है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ टूल्स जितने भी दुनिया में अवेलेबल है उन सबके प्लग जेनकिंस कम्युनिटी पे पड़े हुए हैं, जेनकिंस के पास अवेलेबल है। यही जेनकिंस की सबसे अच्छी ताकत है कि प्लगइन्स इसके अवेलेबल है। प्लगइन का मतलब है वो एक ऐसा टूल जिससे कि दूसरा, वो एक ऐसा आप काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर कहें जिसकी हेल्प से ये दो टूल आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। तो वो प्लगइन हमें लगाना पड़ेगा। तो जेनकिंस के प्लगइन इनेबल करिए, उस प्लगइन को डाउनलोड करिए, इंस्टॉल करिए और उसके बाद वो उसके साथ बात करने लग जाता है। सो दिस इज नोन एज प्लगइन। सो वंस, और यहां पे एक और टर्म आई है आर्टिफैक्ट्री। आर्टिफैक्ट्री क्या है? आर्टिफैक्ट्री हमारा एक आर्काइव के लिए होता है, यानी देखिए हमारे पास क्या होता है कि कोई कोड है,
हमारा कोई रेडी कोड है, रेडी है कोई कोड हमने डेवलप कर लिया है हमारी एप्लीकेशन के लिए, तो उसको हम फ्यूचर पर्पस के लिए भी इस्तेमाल करना चाहते हैं तो उसे हम आरटी फैक्ट्री में डाल देते हैं। ठीक है, तो आरटी फैक्ट्री हमारा उस चीज के लिए होता है। आप कहेंगे सर ये तो हम गिटहब में भी ये काम कर सकते हैं, वहां पे हमारे कोड पड़े होते हैं। तो एक चीज आपको याद रखनी है, गिटहब के अंदर आपका रॉ कोड पड़ा होता है, यानी कि सोर्स कोड पड़ा होता है जिसपे अभी आप काम कर रहे हैं, बट आरटी फैक्ट्री में आपका फाइनल कोड पड़ा होता है जो बिल्कुल रेडी होता है और बिल्कुल यूज करने के लिए रेडी हो चुका होता है, वो कोड हम आरटी फैक्ट्री में डालते हैं। वंस डेवलपर पुट कोड इन गिटहब, जेनकिंस पुल दैट कोड एंड सेंड टू मैवन फॉर बिल्ड। तो जेनकिंस क्या करेगा, जैसे ही डेवलपर गिटहब के ऊपर कोड डालेगा जेनकिंस उसको पुल करेगा, बट उससे पहले प्लगइन लगाना जरूरी है, तभी ये दोनों आपस में कनेक्ट होंगे और तभी जेनकिंस पुल कर पाएगा। ठीक है, क्योंकि जब तक कनेक्ट नहीं है आप कैसे, मतलब दोनों के बीच में कनेक्टिविटी तो देनी पड़ेगी, तो वो हम प्लगइन की हेल्प से दे सकते हैं। तो गिटहब, जेनकिंस गिटहब से कोड उठाएगा और उसे मैवन के पास भेज देगा बिल्ड के लिए। जैसे ही बिल्ड हो जाएगा जेनकिंस उसको उठाएगा और उसको टेस्ट के लिए सेलेनियम के पास भेज देगा। तो ये चीज यहां पर मैंने लिखी है, वंस बिल्ड इज डन जेनकिंस पुल दैट कोड, जेनकिंस उस पुल कोड को पुल करेगा एंड सेंड टू सेलेनियम फॉर टेस्टिंग। Once testing is done, then Jenkins will pull that code and send to RT factory. तो RT factory क्या है? RT factory हमारे future purpose के लिए, for archiving purpose के लिए है, archiving purpose के लिए, as per requirement and so on. We can also deploy with Jenkins, और Jenkins से ही आप क्या कर सकते हैं, deploy भी कर सकते हैं। तो I hope आपको scenario समझ आ गया होगा कि Jenkins किस तरीके से काम करता है, plugins क्या होते हैं। अब जरा हम इससे आगे की बात देख लेते हैं। अब फाइनली जेनकिंस के फायदों की बात कर लेते हैं कि आखिर क्यों हम जेनकिंस को इस्तेमाल करते हैं, क्या इसके बेनिफिट्स या एडवांटेजेस हैं। तो देखिए, सबसे बड़ा एडवांटेज मैंने आपको बताया है कि सबसे बड़ा एडवांटेज है प्लगइन्स बहुत सारे अवेलेबल हैं, और प्लगइन्स का मतलब क्या है कि जितने भी बाकी के टूल हैं उन्हें हम जेनकिंस के साथ इंटीग्रेट कर सकते हैं बहुत ईजिली, क्योंकि जेनकिंस के पास उनके साथ कनेक्ट होने के प्लगइन्स अवेलेबल हैं। You can write your own plugin. ये सबसे बड़ा एडवांटेज है क्योंकि Jenkins एक ओपन सोर्स है। अगर कोई प्लगइन आप अपने अकॉर्डिंग डिजाइन करना चाहते हैं तो वो भी पॉसिबल है, हालांकि उसकी जरूरत कभी नहीं पड़ेगी आपको क्योंकि ऑलरेडी सारे plugins अवेलेबल है, बट ये एक ओपन सोर्स है। जैसे लिनक्स के बारे में कहा जाता है कि लिनक्स एक ओपन सोर्स कोड है, उसको अलग अलग डेवलपर्स ने, अलग अलग कंपनी ने अपने अकॉर्डिंग डिजाइन किया, इवन अमेजन ने अपने अकॉर्डिंग अमेजन लिनक्स बनाया हुआ है। तो ऐसे ही आप Jenkins के plugins भी अगर क्रिएट करना चाहते हैं अपने अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं। You can use community plugin, जो इसकी community है Jenkins की, वहां से आप community plugins का इस्तेमाल कर सकते हैं, सारे plugins available है, simply आपने उसे इस्तेमाल करना है। Jenkins is not just a tool, it is a framework, जिसकी बात मैंने आपसे पहले भी की थी। Jenkins सिर्फ एक टूल नहीं है, जैसे कि शेफ होता है, पपेट होता है, एंसिबल होता है, सिर्फ एक टूल नहीं है, एक फ्रेमवर्क है। अब फर्क क्या है, फर्क यह है कि अगर मैं शेफ की बात करूं तो शेफ के अंदर जो भी कमांड्स हैं वो फिक्स है। अगर मैं कहता हूं बूटस्ट्रैपिंग करनी है तो बूटस्ट्रैपिंग की कमांड फिक्स है, आप उसे चेंज नहीं कर सकते कि मैं बूटस्ट्रैप नहीं, मैं इस कमांड का कुछ और नाम देना चाहता हूं, नहीं दे सकते आप, क्योंकि वो टूल पहले से बना हुआ है, उसके अंदर जो कमांड फिक्स है वो फिक्स्ड है। पर Jenkins के साथ ऐसा नहीं है, आप ये इट इज अ काइंड ऑफ फ्रेमवर्क, अपने अकॉर्डिंग इसमें चेंजेस कर सकते हैं, इसके प्लगइन्स चेंज कर सकते हैं, Jenkins के फ्रेमवर्क को चेंज कर सकते हैं, क्योंकि Jenkins में चेंजेस पॉसिबल हैं। Jenkins is not just a tool, it is a framework. You can do whatever you want. All you need is plugins. तो Jenkins में आप changes कर सकते हैं अपनी requirement के according. हालांकि ये changes हमेशा plugins में किए जाते हैं जो Jenkins के साथ available है. उन्हें आप अपने according design कर सकते हैं, उसी के according वो काम करेंगे। तो अब जैसे यहां पे मैंने आपको दिखाया, ये मेरा Jenkins है, यहां पे एक प्लगइन लगा हुआ है गिटहब के लिए, एक प्लगइन लगा है मैवन के लिए, एक प्लगइन लगा है सेलेनियम के लिए। अच्छा, ये पूरा काम जो है ये मैंने ऑटोमेट कर दिया, पूरा ऑटोमेशन हो गया, यानी एक बार डेवलपर ने कोड यहां डाला तो वो फिर फाइनली डिलीवरी तक ही पहुंचेगा अपने आप। क्यों? क्योंकि सारा काम हो रहा है, Jenkins यहां से उठाएगा, यहां डालेगा, फिर यहां जब काम हो जाएगा तो उठाएगा, फिर इसको देगा, यहां जब काम हो जाएगा तो उठाएगा, फिर इसको देगा, यहां जब काम हो जाएगा तो डिलीवर कर देगा। तो ये पूरा ऑटोमेशन हो रखा है। लेकिन आप ये याद रखें, जब कोई भी सिस्टम में कंप्लीट 100% ऑटोमेशन होता है तो कहीं ना कहीं कंट्रोल नहीं रहता हमारा। क्यों? क्योंकि अपने आप चीज आगे जाती जा रही है, आप रोक नहीं सकते। तो आप अगर कहीं किसी ब्रेक करना चाहते हैं, आप कहते हैं टेस्टिंग वाला पार्ट जो है मैं यहां पे ऑटोमेशन नहीं चाहता, टेस्टिंग मैं खुद करूंगा, जैसे बिल्ड हो जाए, बिल्ड होने के बाद
टेस्टिंग वाला काम मेरे अकॉर्डिंग होना चाहिए, तो आप वो प्लगइन ना लगाएं, आप यहाँ पे ये कनेक्शन ना करें, प्लगइन ना लगाएं, तो टेस्टिंग वाला काम मैनुअल आप कर सकते हैं। तो जरूरी नहीं है कि ऑटोमेशन जेनकिंस पूरा 100% करेगा। आप किसी लेवल पे अगर ऑटोमेशन नहीं चाहते, आप चाहते हैं ये काम मैंने मैनुअली करना है, तो उस हिस्से को आप मैनुअली कर सकते हैं। तो ये सबसे बड़ा एडवांटेज है जेनकिंस के साथ। तो पूरा ऑटोमेशन करना चाहते हैं वो भी पॉसिबल है, और आप पार्शियल ऑटोमेशन चाहते हैं और कुछ हिस्सों पे अपना कंट्रोल चाहते हैं कि जब मैं कहूं तब टेस्टिंग हो, उस टाइम पे टेस्टिंग हो, तो आप वो काम भी कर सकते हैं, आप मैनुअली उस काम को कर सकते हैं। वी कैन अटैच स्लेव्स टू जेनकिंस मास्टर। हमेशा याद रखिएगा, जेनकिंस का जो आर्किटेक्चर है वो मास्टर स्लेव आर्किटेक्चर है। कैसा आर्किटेक्चर है? मास्टर स्लेव, यानी कि एक मास्टर होगा और बाकी के स्लेव होंगे जो उसकी बात मानेंगे और काम करेंगे, राइट? तो जेनकिंस का आर्किटेक्चर जो होता है वो मास्टर स्लेव आर्किटेक्चर होता है। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि मेरा जो जेनकिंस है, मैं इसके साथ कुछ स्लेव अटैच कर सकता हूं। स्लेव कुछ नहीं है, इसके जैसे ही बंदे हैं, बट उनको नाम स्लेव दिया गया क्योंकि वो इसके अकॉर्डिंग काम करेंगे। तो यहां पे मैं इस जेनकिंस के साथ दो स्लेव कनेक्ट कर सकता हूं, और ये स्लेव क्या करेंगे, ये जो लोड आएगा उसको ये डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। सपोज 10 काम आए करने के लिए, तो मैंने 5 काम इसको दे दिए करने के लिए, 5 इसको दे दिए, मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया काम को। तो जेनकिंस का जो आर्किटेक्चर है वो मास्टर स्लेव आर्किटेक्चर होता है, जहां आप स्लेव बना सकते हैं जो जॉब्स को करेंगे। जॉब हो गया, आइटम हो गया, ये सब एक ही चीज होती है, मैं आपको बताऊंगा। जॉब का मतलब है कोई टास्क करना, कोई भी टास्क है उसको हम जॉब कह सकते हैं या टास्क कह सकते हैं या आइटम कह सकते हैं, एक ही बात है। तो वो जॉब जो है वो हमारा स्लेव करेगा। अगर कोई भी स्लेव आपके पास नहीं है तो ये काम कौन करेगा? बाय डिफॉल्ट ये काम मास्टर करेगा, जो कि डिफॉल्ट आपने लगा रखा है। पर मास्टर के साथ आप चाहे तो स्लेव कनेक्ट कर सकते हैं, 2, 3, 4 जितनी भी रिक्वायरमेंट आपको लगती है आप उतने स्लेव कनेक्ट कर सकते हैं, और वो काम फिर ये स्लेव करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा काम। समझ आ रही है बात? तो वो भी आप कर सकते हैं। यहां पे लिखा भी है कि इफ स्लेव्स आर नॉट अवेलेबल तो काम कौन करेगा? जेनकिंस खुद करेगा, मास्टर खुद करेगा, ठीक है? तो डिफॉल्ट जो होता है वो मास्टर होता है, उसके साथ स्लेव्स हम क्रिएट कर सकते हैं। लैब में मैं आपको बना के दिखाऊंगा, परेशान नहीं होना है। जेनकिंस आल्सो बिहेव एज अ क्रॉन सर्वर रिप्लेसमेंट That is can do schedule task। आपने क्रॉन सर्वर कहां पढ़ा था? शेफ के अंदर पढ़ा था, शेफ क्लाइंट में, जहां हमने शेड्यूलिंग की थी कि हर एक मिनट के बाद ही जाएगा पता करके आएगा, कुछ नया तो नहीं आया, या ये हर 30 सेकंड के बाद जाएगा पता करके आएगा, कुछ नया तो नहीं आया, या हर 30 ये किसी काम को हर 4 घंटे के बाद अपने आप करेगा। दैट इज नोन एज क्रॉन सर्वर रिप्लेसमेंट, राइट? कि हम किसी काम की शेड्यूलिंग कर देते हैं कि ये काम पीरियोडिकली 4 घंटे बाद होना ही होना है, तो जितना भी कोड गिटहब में अगले 4 घंटे में आ जाएगा उसको ये उठा के लाए। तो उस तरीके का काम भी आप कर सकते हैं, वहां पे शेड्यूलिंग कर सकते हैं कि भाई हर एक घंटे के बाद कोड पुल करके लाना है, या हर एक घंटे के बाद आपको टेस्टिंग करनी है, जो भी कुछ अवेलेबल है, तो वो काम आप कर सकते हैं। इट कैन क्रिएट लेबल्स। लेबल्स का मतलब क्या है? लेबल्स का सिंपल सा मतलब है कि ये काम कौन करेगा, ये हम असाइन कर देंगे। जैसे मैंने कहा कि मेरे पास 10 काम है, तो जो तीसरे नंबर का काम है मैं कहता हूं कि वो स्लेव नंबर 2 करेगा, तो मैं इस तीसरे नंबर के काम को लेबल कर दूंगा कि ये स्लेव नंबर को 2 को ही करना है। ऐसे ही मैं कहता हूं कि जो चौथे नंबर का काम है वो स्लेव नंबर 3 ने करना है, तो मैं लेबल लगा दूंगा कि स्लेव नंबर 3 जो है वही इस काम को करेगा। तो आप देखेंगे कि इस काम को जब ये टास्क किया जाएगा तो ये टास्क अपने आप स्लेव 3 के पास जाएगा और किसी के पास नहीं जाएगा। तो इस तरीके से आप लेबल्स भी क्रिएट कर सकते हैं। तो जेनकिंस का जो ओवरऑल फ्रेमवर्क है वो बहुत इजी है, GUI बेस्ड है, ऐसा कोई प्रोग्रामिंग यहाँ पे नहीं है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, और बहुत इजी और मजेदार है। तो आने वाली लैब में मैं आपको इसकी लैब, इसकी इंस्टॉलेशन बिल्कुल जीरो से करके दिखाऊंगा, मतलब कुछ भी आपको मैं स्किप नहीं करूंगा, आप बिल्कुल घर बैठे सीख सकते हैं। कोई भी बंदा हो, चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे वो कॉलेज में पढ़ रहा हो, चाहे वो जॉब कर रहा हो, कोई भी इसको सीख सकता है। जेनकिंस का बुनियादी लेक्चर CI/CD का यहीं तक है, बहुत डिटेल मैंने आपको बताया है कि CI/CD पाइपलाइन क्या है, जेनकिंस क्या है, CI क्या होता है, CD क्या होता है, सारी बातें हमने डिटेल में सीख ली हैं, मास्टर स्लेव आर्किटेक्चर। नीचे एक छोटी सी चीज मैंने मेंशन करी है जस्ट आपकी नॉलेज के लिए, आप लिख लीजिएगा अपने कॉपी में,
मैंने कई बार इस टर्म का इस्तेमाल किया बिल्ड का, कि मैवन जो है वो बिल्ड करता है। तो बेसिकली बिल्ड के अंदर कुछ और प्रोसेस होता है जिसको मैंने यहाँ लिख दिया है, इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। बट अगर कभी इंटरव्यू में आपसे पूछ लिया जाए तो अगर आप दो चार टर्म्स का नाम ले देते हैं तो उसको समझ आ जाएगा कि इस बंदे को कॉन्सेप्ट क्लियर है कि बिल्ड क्या होता है। तो देखिये बिल्ड के अंदर बेसिकली क्या होता है कि कोई भी जो कोड आया है वो सबसे पहले कंपाइल किया जाता है। कंपाइल करने का क्या मतलब है ये मैं अभी इसलिए नहीं बता रहा क्योंकि बहुत सारे नॉन टेक्निकल लोग भी हैं तो वो शायद कंफ्यूज हो जाए, बट अभी लेटर ऑन आपको धीरे धीरे समझ आ जाएगा। कोड को कंपाइल करता है, कोड को कंपाइल करने के बाद रिव्यू करता है, रिव्यू करने के बाद टेस्टिंग करता है, इंटीग्रेशन टेस्टिंग करता है और पैकेजिंग करता है। तो ये जो पूरा प्रोसेस है इसी को बिल्ड कहा जाता है। मैं इसकी डिटेल में नहीं जा रहा हूं क्योंकि जरूरत नहीं है, बस आपको पता होना चाहिए। कभी लेटर ऑन साल छह महीने बाद जब आप एक्सपर्ट हो जाए इस फील्ड में तब आप इस पर आइएगा, इस चीज को देखिएगा। आई होप आपको ये 100% समझ आएगा कि मैं किस बात की बात कर रहा हूं। फिलहाल मैं इसको स्किप कर दूंगा क्योंकि अदरवाइज कंफ्यूजन क्रिएट होगा। मेरा मकसद ये है कि मैं आपको सिर्फ उतना बताऊं जितने से आप इसकी बेटर अंडरस्टैंडिंग पा सकें। ऐसी चीजें मैं नहीं बताना चाहता जिससे आप कुछ चीजें कॉम्प्लेक्स हो जाएं और आप कंफ्यूज हो जाएं। तो आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको आज CICD का क्लियर हो गया होगा। अगले लेक्चर में हम लैब करेंगे, बट कोशिश करिएगा इस वीडियो को 2 से 3 बार देखने की। और चलिए बात को अब किसी खूबसूरत शेर के साथ खत्म करते हैं। तो आज बात को किसी अपनी ही लिखी हुई गजल से खत्म करते हैं। बड़ा टाइम हो गया अपनी गजल सुनाए हुए, काफी टाइम से आपसे मुखातिब नहीं हो पा रहा हूं, तो अपना ही कुछ लिखा हुआ लेकर आया हूं और उम्मीद है आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो जरूर मुझे कमेंट करके बताइएगा यार, वीडियो को लाइक शेयर जरूर किया करो, अपने दोस्तों के साथ फेसबुक पे लिंक्डइन पे जरूर इसे शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि आज का ये लेक्चर अगर आपने एंड तक देखा है तो मेरी रिक्वेस्ट है आप जरूर कमेंट करके बताएं कि कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है या नहीं हुआ है। तो देखें आज जो गजल मैं सुनाने जा रहा हूं तो इसका जरा गौर फरमाइएगा। ये मैंने कभी लिखी थी 2-3 साल पहले। जख्म सारे गुनगुनाता जा रहा हूं मैं, जख्म सारे गुनगुनाता जा रहा हूं मैं, दोस्तों को आजमाता जा रहा हूं मैं। ऐतबार कर लिया था एक अजनबी का मैंने, ऐतबार कर लिया था एक अजनबी का मैंने, बस इसलिए लड़खड़ाता जा रहा हूं मैं। रात भी मायूस है दीवारें भी खामोश, रात भी मायूस है दीवारें भी खामोश, शमा को अपने साथ रुलाता जा रहा हूं मैं। पी रही है दिन रात सांसे मेरी ये जिंदगी, पी रही है दिन रात सांसे मेरी ये जिंदगी, इसी को दिन रात अब पिलाता जा रहा हूं मैं। वो आए तो कहना तारा टूट चुका है, वो आए तो कहना तारा टूट चुका है, चांद में एक दाग लगाता जा रहा हूं मैं। हसरतों की किताबों का एक उसूल याद रहा, हसरतों की किताबों का एक उसूल याद रहा, लिखता जा रहा हूं और मिटाता जा रहा हूं मैं। न जाने कैसा फरेब भूलना चाहूं अगर, न जाने कैसा फरेब भूलना चाहूं अगर, और भी पास तेरे आता जा रहा हूं मैं। आशिक हूं नवा नुकसान की परवाह नहीं मुझको, आशिक हूं नफा नुकसान की परवाह नहीं मुझको, जवानी को उड़ाना था उड़ाता जा रहा हूं मैं, जवानी को उड़ाना था उड़ाता जा रहा हूं मैं। तो उम्मीद है ये गजल भी पसंद आई होगी, लेक्चर भी पसंद आया होगा। ख्याल रखिए अपना और दुआओं में याद रखिए।